हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। मैं आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो कैसे लग रहे हैं हम चश्मे लगा के? चलिए, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और शुरू करेंगे अपना सेशन। आज हम लोग तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? आज हम लोग बात करेंगे अपने अगस्त मंथ की। ठीक है, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है, वो देख लेते हैं यहाँ पर। गाइस देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे जरूरी चीज है कि 17 जनवरी को आपका क्या हो रहा है, कॉम्बैट फिर से स्टार्ट हो रहा है और इस कॉम्बैट को आप दे सकते हैं। ठीक है, 17 जनवरी को 10 बजे ध्यान दो कॉम्बैट को। अगर अभी तक तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, जाकर टीम नासा कोड लगाओ, टीम नासा कोड, और 17 तारीख को जाकर कॉम्बैट दो और अपना नाम टॉप में लेकर आओ। ठीक है, तो एग्जाम की बात करें गाइस, तो एग्जाम जो आपका है 60 मिनट का एग्जाम आपका होगा और इस पे रियल टाइम ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिल जाएगी, क्वांट का, इंग्लिश का और रीजनिंग का। आपका ये टेस्ट होने वाला है, 60 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, जो कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने बनाए हैं, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे, तो इसको दीजिए। तो अगर आप जीतते हैं ये कॉम्बैट तो आपको अनअकैडमी प्लस का मिलेगा सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एकदम। ठीक है, तो 17 तारीख को ध्यान दीजिएगा। और गाइस, डेली हमारे 30+ बजे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप भी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फायदा ये मिलता है कि डेली आपको, मतलब हर वीकली आपको 30+ बैच स्टार्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 70+ एजुकेटर्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे और आपको मिलेगा स्पेशल क्लास। और अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो टीम नासा कोड, ये हमारा कोड है, इस कोड को आप लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बच्चे अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए ठीक है, एग्जाम में सभी को, सभी का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम बढ़िया होगा, आपने काफी पढ़ाई की है। ठीक गाइस, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने थी, टीम नासा कोड आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं सेशन अपना। हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन आप सामने है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया, इसका आंसर आपको देना है। व्हाट इज राइट आंसर? चश्मा नरेंद्र सर का था, हमारा थोड़ी इनफ पे हमारा अधिकार नहीं है एग्जैक्टली में। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं ये आपसे पूछा गया है गाइस। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको इसके आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे देख लीजिए। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 से 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोग पढ़कर आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की बात करें, 1 से 7 अगस्त को ये मनाया गया। और थीम की बात करें तो सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट, तो ये भी याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, आगे बढ़ते हैं गाइस, फटाफट चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। द इनॉग्रल मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, तो पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया गया, ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है। व्हाट इज द राइट आंसर? और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त को, ऑप्शन नंबर C, पहली बार ये मनाया गया है ना, जब से ये ट्रिपल तलाक का जो कानून आया है 31 जुलाई को, तो उसके बाद 1 तारीख को आपका वुमेन मुस्लिम राइट डे, मुस्लिम वुमेन राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम कब मनाते हैं? देखिए याद है कि नहीं आप लोग, अगस्त की हम बात कर रहे हैं और आई होप कि आप लोग पढ़कर आए होंगे, मुझे लगता है। गाइस सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। ठीक है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे की हम बात करेंगे, आंसर इज द 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च अ 2 मंथ लॉन्ग कैंपेन कोना कोना उम्मीद, तो इसमें से किस बैंक ने 2 महीना लंबा एक कोना कोना उम्मीद लॉन्च किया था, कैंपेन लॉन्च किया था? कोना कोना है ना, कोना कोना का मतलब के है, के मतलब कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद एक कैंपेन लॉन्च किया था, तो एक आपके सामने है। ठीक है, बढ़िया, सही है, अच्छा अच्छा गुड है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द रोबोट डिजाइन बाय द सेंट्रल रेलवे टू रिमोटली कम्युनिकेट बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट, तो सेंट्रल रेलवे ने एक रोबोट बनाया था, उसका नाम क्या था ये आपसे आपको बताना है। वी हैव 5 ऑप्शंस, व्हाट इज द आंसर? सेंट्रल रेलवे की हम बात कर रहे हैं, कौन सा रिमोटली कम्युनिकेट डिवाइस का नाम बताना है आपको, आंसर इज द रक्षक, ऑप्शन नंबर E। अब रक्षक और सेंट्रल रेलवे, ये दो बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, रक्षक, रक्षक और सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो मुंबई डिवीजन ने बनाया सेंट्रल रेलवे, रक्षक याद रखिएगा, ये पॉइंट हमारे सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ट्रांस यूनियन सिविल अलॉन्ग विद द विच बैंक हैज लॉन्च अ फेशियल फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म एमएसएमई सक्षम फॉर द एमएसएमई, तो आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ मिलकर एमएसएमई सक्षम नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, नॉलेज प्लेटफॉर्म। एक्जैक्टली आंसर इज द सिडबी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो सिडबी ने और ट्रांस यूनियन मिलकर एक नॉलेज पोर्टल बनाया था एमएसएमई सक्षम, तो ये आपके सामने है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर दिखी गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज टाइड अप विद 3 इंश्योरेंस टू प्रोवाइड द कोरोना कवच पॉलिसीज,
तो इसमें से कौन सा वो बैंक है जिसने कि तीन इंश्योरर मतलब कि तीन कंपनी से एग्रीमेंट किया था फॉर द कोरोना कवच पॉलिसीज, या सिंपल लैंग्वेज में कि कोरोना कवच पॉलिसी किसने लॉन्च किया था, ये आपसे पूछा गया है। आंसर इज कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर सी। तो कैनरा बैंक ने तीन इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप किया। ये कंपनी कौन थी? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और HDFC अर्गो कंपनी। ठीक है, इनके साथ मिलकर कोरोना कवच पॉलिसी को लॉन्च किया कैनरा बैंक ने। तीन कंपनीज के नाम आपको यहां पे मेंशन किए गए हैं, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रेटर इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HP, ग्रेटर इंडिया MD फॉर द HP, कौन बना है, अपॉइंट हुआ, ये आपसे पूछा गया है। और आंसर इसका क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है केतन पटेल, ऑप्शन नंबर बी। केतन पटेल ऑप्शन नंबर बी। तो HP की बात करें, HP ने केतन पटेल को अपॉइंट किया है ग्रेटर इंडिया ऑपरेशंस के लिए, MD अपॉइंट किया है। तो देख लीजिएगा, केतन पटेल का नाम है, HP ने अपॉइंट किया है। ठीक है, ग्रेटर इंडिया का मतलब क्या होगा? इस मतलब इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब रीजन के लिए केतन पटेल को अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द ग्रीन ईस्टर्न शिपिंग, ग्रीन ईस्टर्न शिपिंग का एडिशनल डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया? वी हैव 5 ऑप्शंस, आंसर आपको देना है सही, क्या इसका आंसर होगा। और गाइस आंसर की सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, कम से कम मेक 200 लाइव प्लस 200 लाइव लर्नर्स, है ना, शेयर करेंगे आप लोग तब ऐसा हो पाएगा। आंसर इज उजित पटेल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल जी को एडिशनल एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है 5 साल के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड एज इट्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आइवरी कोस्ट। भैया क्वेश्चन तो हम ही बनाते हैं, है ना, क्वेश्चन तो हम ही बनाते हैं, तो क्वेश्चन तो हमारा ही रहेगा। तुम जहां भी पढ़ोगे कॉन्टेंट में, क्वेश्चन तो हमारा रहेगा ना बेटा। आंसर क्या होगा? आंसर इज द हामिद बाकायोको, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो आइवरी कोस्ट प्रेसिडेंट जी बात करें तो इन्होंने हामिद बकायोको को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, कहां का? आइवरी कोस्ट का बनाया है। ठीक है, एक दिन मैंने अपने करंट अफेयर्स में ये मॉर्निंग में लिस्ट आपको दी भी थी, शायद आपने पढ़ा होगा। चलिए, द ग्रीवांस सिस्टम ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द डिजिटल इंडिया प्लैटिनम अवार्ड बाय द स्कोच फाउंडेशन, किस राज्य की शिकायत प्रणाली? ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज द वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का जो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जो ग्रीवांस सिस्टम है उसको डिजिटल इंडिया प्लैटिनम अवार्ड मिला है बाय द स्कोच फाउंडेशन, और 66वां स्कोच फाउंडेशन अवार्ड था, ये भी ध्यान देना, 66 ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज बीन नॉमिनेटेड एज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द फुटबॉल। तो किस टीम को फुटबॉल में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांच के रूप में चुना गया है? मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, आंसर आपको देना पड़ेगा, व्हाट इज द राइट आंसर। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। इसका आंसर होगा रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप देख लीजिए, तो रियल मैड्रिड को मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब ब्रांड चुना गया है। ठीक है, ध्यान देना। और अगर हम बात करें, दूसरे नंबर बार्सिलोना है, और रियल मैड्रिड की बात करें तो इनकी वैल्यू है $1.419 बिलियन। ठीक है, वही बार्सिलोना की थोड़ी सी कम है, $1.413 बिलियन रियल मैड्रिड। ठीक है, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जिसमें कौन खेलता है? रोनाल्डो। ठीक, और बार्सिलोना जिसमें मेसी खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। मिस्टर डेमोक्रेसी, मिस्टर डेमोक्रेसी इनको एक निकनेम से हम बोलते थे, हम लोग मतलब पूरा वर्ड बोलता था। ली टैंग हुई, हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ द 97, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, दैट्स व्हाई ऑबिटरीज में आप इसे देख पा रहे हो, सिंगापुर, वियतनाम, बुरुंडी, नाइजीरिया एंड ताइवान। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ताइवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट ली टैंग हुई, जिनको मतलब जिन्होंने चाइना से लड़ाई की, प्रॉपर मतलब की फाइट किया ताइवान को अलग देश बनाने के लिए, घोषित करने के लिए, इन्हें मिस्टर डेमोक्रेसी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल टू इशू फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। देखो, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए है। अगर तुमसे केवल पूछेगा कि फायर पोर्टल कौन सा पहला स्टेट है, तो गुजरात होगा उसका आंसर। तो फायर पोर्टल के लिए गुजरात रहेगा, और इसके लिए आपको क्या हो जाएगा? आंसर इस ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो ओडिशा अग्नि शमा सेवा ऑनलाइन पोर्टल इसका नाम था, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि मतलब इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड $200 मिलियन फाइनेंसिंग डील विद द रिलायंस फॉर बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ पावर प्लांट इन विच कंट्री। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश में पावर प्लांट के निर्माण और संचालन के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन का एक वित्त पोषण समझौता किया है, मतलब पैसे वाली बात हो रही है। व्हाट इज द राइट आंसर? 197 हो चुके हैं गाइस, 250
हमारा टारगेट 250 का है। शेयर करते रहे, फटाफट करते रहे। ये क्लास आपकी, आपके लिए है और ये आपके द्वारा ही क्लास बनी है, ठीक है। बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे हमारा संविधान बना था ना, संविधान अंबेडकर जी थे हमारे, और अगर तुमने वो मैंने 250 कर दिए तो मैं गाना गाऊंगा, आज लाइव गाना गाऊंगा तुम्हारे सामने। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, वैसे भी क्या जरूरत है ना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक $200 मिलियन, रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड द पावर लिमिटेड जो प्रोजेक्ट है उसके लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पॉइंट, टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड, टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड विल इन्वेस्ट हाउ मच मिलियन डॉलर टू इन्वेस्ट इन इट्स सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजीज। बायोकॉन गाइस, आपने शायद किरण मजूमदार शॉ का नाम सुना होगा, उनकी ये कंपनी है। तो टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड जो है वो कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी, और बायोकॉन बायोलॉजीज में 0.85% का स्टेक मिल जाएगा टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड को। तो ये इसका ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो ये बिजनेस फाइनेंस क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो 30 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए भाई, इससे टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड की बात करेंगे, 30 मिलियन डॉलर का निवेश की हम बात करेंगे, बायोकॉन बायोलॉजी से बात करेंगे, 0.85% स्टेक, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following mutual fund companies has launched Alpha Low Volume 3 ETF? मतलब basically ये एक mutual fund scheme है। तो किसने launch किया? ये आपसे पूछा गया है। Alpha Low VOL 30 ETF। ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था ICICI Prudential ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ICICI Prudential ने Alpha Low Volume 30 ETF को लॉन्च किया था, ये आपको याद रखना है। चलिए गाइस, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has been appointed as the MD and the CEO of the Motilal Oswal Asset Management Company? Motilal Oswal Asset Management Company, ध्यान देना, State Bank of India क्लाइंट ने पूछा गया था कि Asset Management Company का मतलब क्या होता है, तो Mutual Fund Company, ठीक है। तो कौन बना MD CEO, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होने वाला है? और इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नवीन अग्रवाल जी। नवीन अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप यहां पे इनका नाम देख सकते हैं, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी एंड नवीन अग्रवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है हमारे देश की, और इसकी इसके एमडी चेयरमैन कौन बना है? आंसर इज SN राजेश्वरी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। SN राजेश्वरी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी। तो हरियाणा में दो फीमेल एथलीट जिनको कि डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है स्पोर्ट्स कैटेगरी का, ठीक है। और ये दो लोग कौन थे? ये दो लोग थे बबीता फोगाट और द कुमारी कविता देवी। बबीता फोगाट एंड द कुमारी कविता देवी, हरियाणा ने इनको अपने मतलब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का क्या बनाया है, डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। इन लोगों ने काफी मतलब गवर्नमेंट को मतलब कहा था, तब जाके ये हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ग्रीन AG प्रोजेक्ट, मतलब एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो केंद्र सरकार ने ग्रीन AG प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इन विच स्टेट टू रिड्यूस द एमिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। केंद्र सरकार ने ग्रीन AG प्रोजेक्ट लॉन्च किया था किस स्टेट में? इसका आंसर क्या होगा? मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखें यहां पे, ग्रीन AG प्रोजेक्ट इन मिजोरम यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब जो क्या है, मिजोरम इज वन ऑफ द 5 स्टेट वेयर द प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड, लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड में ये पहले ही लॉन्च हो चुका था, और अभी मिजोरम में ये लॉन्च किया गया है, 5 स्टेट में लॉन्च किया गया ग्रीन AG प्रोजेक्ट, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 200 हो गए गाइस, बधाई हो आप लोग को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और 250 का माइलस्टोन हमें क्रॉस करना ही करना आज, है ना, आज जिद है तो जिद है। 250 पे गाना और 300 पे चश्मा दूसरा वाला भी है मेरे पास वैसे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑल सेट टू बिगिन द एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन किसने लॉन्च किया था, किस स्टेट ने, ये आपसे पूछा गया है। 5 ऑप्शन हमारे पास है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज द मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। MP हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक मास्क अनेक जिंदगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड एन अपस्ट्रीम कैरिजवे ऑफ महात्मा गांधी ब्रिज ओवर रिवर गंगा इन विच स्टेट। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भाई महात्मा गांधी ब्रिज का इनॉग्रेशन कहां पर हुआ? गंगा नदी पर हुआ है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो महात्मा गांधी ब्रिज की बात करें तो हमने सुना था कि ये बिहार में है, इलेक्शन वहीं पर हो रहे थे, तो ये तो वहीं पर होना ही होना यार, तो बिहार इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए,
350 पे डांस, तुषार भाई नागिन वाला, वो भी है ना नागिन वाला। ठीक चलो, तो मैं डांस की बात करूं तो जब मैं कभी मतलब कभी खुश होता हूं, मैं डांस करता हूं शादी वादी में, जब मैं डांस करता हूं तो मेरे आसपास कम से कम 5 मीटर सरकमफेरेंस में कोई आ ही नहीं पाता है। पता नहीं भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो ये नितिन गडकरी ठीक है, देख लीजिएगा। और ये 5.5 किलोमीटर लंबा था और NH-19 पर बना है, बिटवीन द पटना एंड द हाजीपुर। NH-19, ये भी आजकल एग्जाम में थोड़े डीप में क्वेश्चन बनते हैं, तो एनएच वनएच पूछ सकता है, तो देख लीजिएगा जा क्या रहा है हमारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे गाइस। देखिए तो आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, आरआरबी के एग्जाम में इतिहास रहा है, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आरआरबी के लिए बात कर रहा हूं, पूछा तो कहीं भी जा सकता है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज अप्रूव अ प्रोग्राम फॉर आर्टिशियंस ग्रामोद्योग विकास योजना, तो किस मिनिस्ट्री ने ग्रामोद्योग विकास योजना लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री की बात पूछी जा रही है आपसे। यहां पर 5 ऑप्शन आपके पास है, व्हाट इज द राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मतलब गडकरी साहब, है ना। ग्रामोद्योग विकास योजना एक बार देख लेते हैं, तो ग्रामोद्योग विकास योजना हमें मालूम चल गया है, और इसमें बेसिकली और कुछ पढ़ने की जरूरत हमें है। खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो विल प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें ट्रेनिंग बनी दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगरबत्ती वगरती बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ग्रामोद्योग विकास योजना याद रखिएगा, और एमएसएम इंडस्ट्री लॉन्च किया, इतना क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज इन टॉक विद द इंडिया फॉर द फाइनेंसिंग $8 बिलियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इसमें से कौन सा बैंक है जो कि भारत को $8 बिलियन की लोन देगा फॉर द हेल्थ इंफ्रा स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 5 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर की बात करेंगे गाइस। आंसर इज द AIIB, ऑप्शन नंबर डी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये देख लीजिए, और $8 बिलियन ये याद कर लीजिए। हालांकि मैं थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, देखिए तो 8 बिलियन तो ठीक है, लेकिन इसके पहले 500 मिलियन दे चुका है ये AIIB और 750 मिलियन, तो आपको 750 को और 500 को ऐड कर देना है, देख लीजिए कितना हो गया, तो उतना पैसा जो है ये ऑलरेडी दे चुके हैं एशियन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ वर्चुअल म्यूजियम ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट का वर्चुअल म्यूजियम कौन बनाएगा, सिक्योरिटी मार्केट, नाम से मालूम चल रहा है सिक्योरिटी मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट, मतलब सेबी, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो सेबी वर्चुअल म्यूजियम बनाएगी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन चूजन फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एम्पावरमेंट अवार्ड, यानी पहले एक बात पे ध्यान देना, हमारे देश में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट अवार्ड बांटा गया, कितनों को मिला, 11 को मिला, 11 वुमेन को मिला, ठीक है। देखो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहां पर बात 5 से ऊपर आती, एक्सेप्ट ऑफ शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, क्योंकि उसमें मैंने देखा है क्वेश्चन एग्जाम में आया नाम के साथ, तो जल्दी नाम पूछते नहीं है, और ये इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड भी नहीं है कि नाम पूछेंगे आपसे, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट अवार्ड की बात करें, 11 महिलाओं को मिला है, और क्या बोला गया है, कौन सा डिपार्टमेंट ये अवार्ड देता है, कौन सा डिपार्टमेंट ये अवार्ड देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, तो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट अवार्ड की बात बोली है, 11 महिलाओं को ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। 25 लाख रुपए राशि है, हालांकि मैंने इसमें नाम दिया हुआ है, आपके श्रद्धा भक्ति पर है कि आप नाम पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिली जाएगा, इस सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का पीडीएफ मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट कूपियर of which of the following companies has received US federal, देखिए guys actually क्या होता है ना कि इंटरनेट की बात करें तो इंडिया में वास्तव में इंटरनेट सस्ता है, US में बहुत महंगा, तो US में ये कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट कूपियर लॉन्च कर रही है, जिसके थ्रू वो SpaceX के साथ मिलकर और NASA से मिलकर मतलब प्रॉपर सेटेलाइट लॉन्च करेंगे, ताकि इंटरनेट का जो मतलब रेट है वो US में सस्ता हो जाए, और ये किसका प्रोजेक्ट है, ये है Amazon का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपके सामने है, Amazon हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो Amazon has received the approval from the US Federal Communication Commission, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। देख लो 3,236 इंटरनेट सेटेलाइट लॉन्च की जाएंगी, हालांकि तुम्हें इतना लंबा याद नहीं रखना है, प्रोजेक्ट कूपियर अमेज़न, इतना देखो बस काम तुम्हारा हो गया। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो आज गाइस शनिवार है, आपको मालूम है शनिवार को रात में हमारी क्लास होती नहीं है, तो जो हमारी क्लास होती है बेसिकली सितंबर मंथ की जो हम कर रहे हैं वो हमारा होगा 2:15 पे आज 2:15 बजे, ठीक है। दो यहाँ पे लिखा है, सब लोग देख लो यहाँ पे, तो सितंबर मंथ पढ़ना है तो अनअकैडमी पर आइए 2:15 पे। एमसीक्यूज ऑन द फाइनेंशियल अवेयरनेस जो हमारी क्लास होती है रात के 10 बजे, वो होगी आज शाम को 6 बजे,
ठीक। और जो हमारी क्लास 11 बजे होती है वो है आज शाम को 7:05 पर, जहां पर हम नवंबर पार्ट टू कर रहे हैं। तो नवंबर भी हम कर रहे हैं, सितंबर भी हम कर रहे हैं, अगस्त भी हम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग एक दिन में कम से कम 1000 MCQs कंज्यूम कर रहे हैं समय। और मैं, ये मेरा दावा है राइट नाउ, पूरे इंडिया में कोई भी जीए एजुकेटर और कोई भी ये बच्चे इतना क्वेश्चन कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे, ये मेरा दावा है आपसे। और इसका बेटर रिजल्ट हमें एग्जाम में मिल जाएगा। गाइज वी आर रॉक स्टार, वी आर नॉट हियर फॉर लूज, वी आर विनर, है ना? बोल दो हाँ विनर है हम लोग। तो याद रखना गाइस, ये टाइम टेबल है। कैसे करना है, अनअकैडमी ऐप पर जाइए, सर्च ऑप्शन पे मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे तो मैं दे दूंगा क्लासेस, ठीक है? तो ये 2 बजे 2:15 बजे क्लास है, एक क्लास 6 बजे है। 6 बजे वाली क्लास अब आपको मिस नहीं करनी है, बिकॉज IBPO मेंस का भी एग्जाम है, फिर क्लरिकल का शुरू हो जाएगा, वो क्लासेस करते रहिए भैया, वरना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शिफ्ट 2 की तरफ परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो ये क्लास भी है अगर आपको बैंकिंग नहीं आती है तो, और यहां पर नवंबर करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? सिमरनजीत जी, आपने सारा साल, आपने, आप लोगों ने पूरा साल मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, हमने कुछ बोला आपको कभी? आप बोल रहे हैं करिए, और ये आपके फ्यूचर के लिए ही है भाई, हमारे लिए थोड़ी ना। ये नेम द एप्लीकेशन लॉन्च बाय द हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी टू मार्केट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। यहां पर आपसे पूछा गया कि आवासीय संपत्तियों को बाजार, मतलब मार्केट का मतलब बेसिकली सेल करने के लिए, ये सब करने के लिए हरदीप सिंह पुरी ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, मतलब एक तरह का ई कॉमर्स जहां पर आपको प्रॉपर्टीज दिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा रॉक जी? सितंबर की, अच्छा हाँ, सितंबर की क्लास आई लास्ट होगी हमारी अकेडमी पर। फिर कल से दिन के 2 बजे हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, और अच्छे अच्छे 40 क्वेश्चन में धमाल मचाएंगे। इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टैटिक जीए, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, जैसा क्वेश्चन आप एग्जाम में मिलता है आपको, स्पेशली डिजाइन बाय मी। कल से हमारा वो शुरू हो जाएगा मॉक टेस्ट, ध्यान देना इस बात को, 2 बजे, ठीक है? चलिए, आंसर इज क्रेडाई आवास एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो क्रेडाई, एक मिनट दिखा देता हूं, क्रेडाई आवास एप्लीकेशन, ये आपको ध्यान देना है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू पास द बिल फॉर हैविंग 3 कैपिटल ऑफ द स्टेट। तो पहला राज्य बना है जिसने अपनी 3 राजधानियां बना दी हैं, ये तो आप लोग भूलेंगे ही नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आंध्र प्रदेश इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 3 कैपिटल्स, टू हैव 3 कैपिटल्स, याद रखिएगा। और ये कैपिटल क्या होंगी? अमरावती लेजिस्लेटिव, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव, एंड कुर्नूल की बात करें तो जुडिशियल कैपिटल, ये होगी 3 कैपिटल आपके सामने, ठीक है? चलिए, हाँ हाँ अधिकारी साहब, मेंस टाइप का ही, प्री थोड़ी ना देंगे, प्री में कहां जीए आती है, मेंस में तो आती ही है। तो वर्ल्ड संस्कृत डे की बात करें तो ये किस डेट को मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हालांकि सीटी के बाद, सीटी जब आ जाएगा ना, तो सीटी के बाद थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में जीए, क्योंकि प्री का वो एग्जाम होता है, फिर मेंस आपको देना है बैंकिंग का, तो आपको जीए पढ़नी पड़ेगी तभी से। आंसर इज द अगस्त 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो वर्ल्ड संस्कृत डे जो है वो अगस्त 3 को मनाया गया इस बार मनाया गया, ठीक है? क्योंकि ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है हर साल, तो इस बार 3 को पढ़ा है, तो 3 ये इस बार का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, paisabazaar.com अनाउंस टू लॉन्च अ स्टैक That would make loan dispersal and credit card issuance completely digital. तो paisabazaar.com एक stack बना रहा है और इस stack से loan dispersal, credit card issuance easy हो जाएगा। उसका नाम जरा बताएं मुझे, क्या इसका आंसर होगा? अधिकारी साहब, आपको जीए मीन्स समझ नहीं आया, 40 क्वेश्चन आएंगे, उस 40 क्वेश्चन में सब कुछ मिलेगा, एग्जाम की तरह मिलेगा बेटा। पैसा बाजार स्टैक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये इसका नाम है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द 12 मेंबर सिलेक्शन पैनल फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो गाइज, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 29 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आपको मालूम है। तो इसके सिलेक्शन के लिए 12 मेंबर की कमेटी बनी है, उस 12 मेंबर में से कौन सा क्रिकेटर चुना गया है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वीरेन सहवाग, ऑप्शन नंबर ही। तो वीरेन सहवाग को चुना गया है और सरदार सिंह को हॉकी से। तो वीरेन सहवाग फ्रॉम द क्रिकेट और सरदार सिंह फ्रॉम द हॉकी, ये लोग 12 मेंबर कमेटी में आएंगे और जो कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स को मतलब डिसाइड करेंगे, ठीक है? और इस पूरे 12 मेंबर कमेटी को लीड कौन कर रहे थे? मुकुंदकम शर्मा जी। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वेस्टर्न एयर कमांड। इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड, पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है। 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर इज द वीआर चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। तो वीआर चौधरी को क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है? तो एक पॉइंट हमारे सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द
विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021, विद्यार्थी विज्ञान मंथन किसने लॉन्च किया ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज विद्यार्थी की बात हो रही है, कहीं ना एजुकेशन की बात हो रही है, तो हम सेंस डेवलप कर सकते हैं, बट इसमें कुछ और भी एडिशनल पॉइंट आ सकते हैं। जैसे हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया, तो अगर हम बात करें ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रमेश जी को लॉन्च करना चाहिए था पोखरियाल जी को, लेकिन यही इसमें है कि मतलब आपको हर्षवर्धन जी का नाम याद रखना पड़ेगा। इसमें और भी पॉइंट है, देखिए हर्षवर्धन जी ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन को लॉन्च किया, तो कॉमन सेंस से हम चलेंगे तो हम वो आंसर देते, लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए यहां पे रखा गया कि आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर एनर्जी। तो पहला अरब देश जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई एंड कतर। पहला अरब कंट्री की बात हो रही है, आंसर इज द यूएई, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे देखें तो बरक्खा न्यूक्लियर प्लांट नाम होगा इसका, नाम है इसका, ठीक है। और यूएई मतलब पहला अरब वर्ल्ड का मुल्क बन गया, देश बन गया, जिसने कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना शुरू कर दिया है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे डिवीजन हैज रन इस फर्स्ट एवर व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन। तो आपसे पूछा कि रेलवे का वह कौन सा डिवीजन है जिसने कि अपनी पहली व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न। रेलवे डिवीजन हैज रन इट्स फर्स्ट एवर व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन, आंसर इज द नॉर्दर्न, ऑप्शन नंबर ई। अब देख लें तो नॉर्दर्न रेलवे ने पहला व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किया था, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। ये ट्रेन जो है ये दिल्ली से चली किशनगंज से, ठीक है, उसके बाद ये मतलब करीब करीब 2673 किलोमीटर जाएगी पूरा पंजाब एंड लास्ट त्रिपुरा। तो लास्ट में त्रिपुरा में जाएगी, त्रिपुरा याद रखेगा, दिल्ली याद रखेगा। नॉर्दर्न रेलवे पहला व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन था, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 219 लोग हो गए हैं, 250 पे गाना है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फंड हाउ मच स्टार्टअप टू प्रमोट द एग्री फार्म। देखो अब मेरी बात सुनना, एग्री स्टार्टअप की बात हो रही है, एग्रीकल्चरल जो स्टार्टअप होते हैं उनकी बात हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कितने एग्रीकल्चरल स्टार्टअप कंपनीज को फंडिंग करेंगे, ये आपसे पूछा गया है बेसिकली। इसका आंसर होगा 112, ऑप्शन नंबर सी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट 12 करोड़ रुपीज दे रहे हैं फॉर द फंडिंग ऑफ द 112 स्टार्टअप। 12 करोड़ रुपए दिए गए हैं 112 स्टार्टअप को, और ये स्टार्टअप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the following organization has amended its framework agreement to enable UN member state to join the grouping? मतलब ये जो एक ग्रुप था, ये जो एक ग्रुप था जिसकी जिसका आंसर आप दोगे, उसके नियम में ऐसा नियम था कि मतलब यूएन यूनाइटेड नेशन के जो सारे मेंबर हैं वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते थे, तो अभी क्या हुआ है, अभी उसे रेक्टिफाई किया गया। रेक्टिफाई का मतलब उसमें चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंज करने के बाद यूएन के सारे मेंबर इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, और ये मोदी जी ने किया है, मतलब आईएसए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इंटरनेशनल सोलर अलियंस गुरुग्राम, ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलियंस ने क्या किया है, कुछ मतलब रेक्टिफिकेशंस किए हैं, इसके थ्रू क्या होगा, ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन विल नाउ बी एबल टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलियंस। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज एमनेस्टी, कौन बोला एमनेस्टी, गरिमा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेहा ने ऐसे बोला है भाई, अधिकारी ने ऐसे बोला है, कुछ लोग सही भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एक मिनट को फिर से, तो विच स्टेट हैज लॉन्च द IMASQ मोबाइल कोविड 19 टेस्टिंग सेंटर। IMASQ मोबाइल कोविड 19 टेस्टिंग सेंटर, आपने तो आंसर देख ही लिया है, जितना आंसर याद करना जरूरी है उतना ही क्वेश्चन भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, तेलंगाना था, और ज्यादा कुछ ना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेस क्वारंटाइन, IMASQ तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ भारत मिशन हैज मूव टुवर्ड्स द सेकेंड फेज कॉल्ड ODF प्लस। ODF का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फी, मतलब खुले में शौच से मुक्ति, तो वो प्लस प्लस का मतलब कि इसमें आप बोल सकते 2.0 लॉन्च हुआ है। द फेज विल कंटिन्यू टिल, तो स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, इसका दूसरा फेज लॉन्च हुआ है ODF प्लस, और ये जो फेज है ये कब तक देश में लागू रहेगा, ये आपसे पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2024-25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2024-25, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, देख लीजिए इतना ही पढ़ना है केवल आपको,
नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क. एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो कौन सी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, ये आपसे पूछा गया है. मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड असम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आ सकता है. इसका आंसर होगा यूपी, ऑप्शन नंबर सी. तो उत्तर प्रदेश जो है वो अपने स्टेट में इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने जा रहा है, और बेसिकली कहाँ कहाँ पे, वाराणसी में, आगरा में, कानपुर में, मुरादाबाद में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में, मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द IFSCA पैनल टू सजेस्ट वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिटेल बिजनेसेस. तो गाइज IFSCA, इसके बारे में आपने कई बार मेरी क्लास में सुन लिया है ना. तो ये हमारे देश में जो गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी गुजरात, गांधीनगर, उसका ये रेगुलेटर है. इंजेती श्रीनिवास इसके पहले चेयरमैन बने हुए हैं. तो आपसे पूछा गया कि ये कमेटी बनाई गई है, पैनल, जो कि सजेस्ट करेंगे बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिटेल बिजनेसेस इन द गिफ्ट सिटी. और इसका आंसर होगा प्रदीप शाह, ऑप्शन नंबर बी. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा. तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी अनाउंस, इन्होंने एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी को लीड करेंगे प्रदीप शाह, की मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिजनेस है उसे गिफ्ट सिटी में कैसे हम ला सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द गुयाना. गुयाना एक देश है, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने, ये आपसे पूछा गया है. यहां पे 5 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज द इरफान अली, ऑप्शन नंबर डी. तो अगर हम बात करें तो इरफान, मोहम्मद इरफान अली को नया बनाया गया, क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, देख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गुयाना. भाई नए पीएम कौन बने, अगर राष्ट्रपति बने तो पीएम बने होंगे फिर, तो पीएम कौन बने हैं, तो पीएम बने हैं ऑप्शन नंबर डी, मार्क फिलिप्स, ऑप्शन नंबर डी. तो मार्क फिलिप्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मलयालम फिल्म है मुथोन और रन कल्याणी हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म फेस्टिवल. मलयालम फिल्म है मुथुन और रन कल्याणी, इन्हें अभी ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया कौन से फिल्म फेस्टिवल में. यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आंसर आपको ठीक देना पड़ेगा. देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. देख लीजिए यहां पे गाइस, गाइस सुनिए, 20th एडिशन था न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल का, इसमें मलयालम फिल्म मुथुन को और रन कल्याणी को अवार्ड दिए गए. सुनना बहुत ध्यान से, देखो रन कल्याणी की डायरेक्टर कौन थी, इनका नाम था गीता जे गार्गी, और इन्होंने खुद कल्याणी का रोल किया हुआ है इस मूवी में. तो मतलब बेसिकली डायरेक्टर के नाम पूछे जाते हैं कभी कभी. और अगर मुथुन की बात करें तो गीतू मोहनदास इसकी डायरेक्टर थी. ठीक है, इसकी गीता थी, इसकी गीतू थी, याद करना मुश्किल नहीं है आपके लिए. गीता गीतू, गीता गीतू, याद कर लो, बस हो गया काम तुम्हारा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च एम हेल्दी सोल्यूशन टू स्क्रीन एम्प्लॉय ऑफ द COVID-19 रिस्क फैक्टर्स एट द वर्क प्लेस. तो एक कंपनी है जिसे जल्दी थी कि भाई लॉकडाउन खुले और अपने एम्प्लॉय को हम काम पे लगाए, लेकिन एम्प्लॉय आएंगे तो कोई COVID-19 पॉजिटिव हो सकता है ना. तो उसके लिए एम हेल्दी सोल्यूशन लॉन्च किस कंपनी ने किया था, डेल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट एंड विप्रो. ये 5 ऑप्शन, वॉट इज द आंसर. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक महिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. तो टेक महिंद्रा ने लॉन्च किया था एम हेल्दी एप्लीकेशन, बाकी की कहानी आप लोग जानते हैं क्या इसका मतलब है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Who among the following has developed the Dodo Drop? बहुत बढ़िया क्वेश्चन. गाइस आपको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेयर इट फायर शेयरिंग एप्लीकेशन को बैन कर दिया. तो जम्मू कश्मीर के ये हैं और इन्होंने Dodo Drop नाम का ये ऑडियो वीडियो इमेजेस टेक्स्ट शेयर करने के लिए एप्लीकेशन बनाया था. अच्छा क्वेश्चन है ये. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशफाक महमूद चौधरी. अशफाक महमूद चौधरी ये 17 साल के हैं और जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, रजौरी डिस्ट्रिक्ट से. तो इन्होंने ये एप्लीकेशन Dodo Drop डेवलप किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस. 224 लोग हो चुके हैं, मतलब 250 हम पार कर जाएंगे. एक बार और दम लगाइए थोड़ा सा आप लोग. इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज पार्टनर्ड विद द इनोवेटी टू ऑफर ईएमआई ऑन द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल. गाइस मेरी बात सुनेगा, देखो इनोवेटी क्या होता है, इनोवेटी एक कंपनी है जो कि हमारे देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन बनाती है. पॉइंट ऑफ सेल मशीन का मतलब होता है जहां पर हम, जिस मशीन से हम कार्ड स्वैप करते हैं. तो गाइस आपको मालूम है कि पहले क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई थी लेकिन डेबिट कार्ड पे नहीं थी. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई दे दी है. ठीक है, तो ये फीचर इसमें इंस्टॉल होना चाहिए. तो इस बैंक ने इनोवेटी से बोला है कि भैया हमारे कस्टमर जब आएंगे, जब हमारा डेबिट कार्ड स्वैप होगा ना, तो ईएमआई ऑप्शन आना चाहिए उस पर. ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर इज द बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी. तो बैंक ऑफ बड़ौदा और इनोवेटी याद कर लीजिएगा. कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया बिकॉज आपको ऐसे पॉइंट मिलते हैं बट कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से हम भूल भी जाते हैं. बॉब इनोवेटिव. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्चर्स फ्रॉम द विच इंस्टीट्यूशन हैव बीन अवार्डेड फॉर द जनरेटिंग पावर फ्रॉम द वेट क्लॉथ. गीले कपड़ों से बिजली बनाने के लिए किस संस्थान के शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया है. यहां 5 ऑप्शन आपके पास है, वो संस्थान कौन है देख लीजिए एक बार. ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तो आईआईटी खड़गपुर तो बेसिकली इनको गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड मिला है क्योंकि इनके रिसर्चर ने एक गीले कपड़े से बिजली पैदा कर दी। बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द ई रक्षा बंधन प्रोग्राम फॉर वुमेन सेफ्टी। तो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर जी ने, मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन के मौके पर ई रक्षा बंधन प्रोग्राम लॉन्च किया था? बेसिकली ये साइबर क्राइम इनको रोकने के लिए, वुमेन्स और बच्चों के लिए था। ये आंसर इज द आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगमोहन रेड्डी जी हैं, इन्होंने ई रक्षा बंधन लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव साइबर क्राइम, हैरेसमेंट, ये सब जो है उसे रोकने के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज ऑल सेट टू टेक ओवर द एमडी एंड द सीईओ ऑफ द एचडीएफसी बैंक। महासरल क्वेश्चन, महासरल क्वेश्चन, क्या पूछ लिया ये। तो जगदीशन जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है ना, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, आपके सामने देखिए यहाँ पे, विच कंट्री विल सून इशू अ क्वाइन टू ऑनर महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को सम्मानित करने के लिए कौन सा देश एक क्वाइन इशू करने वाला है? पांच ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना पड़ेगा। आप लोग जानते कौन है ये, यूके है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर है ना। तो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ऋषि शौनक की बात करें तो इन्होंने मतलब कंफर्म किया कि महात्मा गांधी जी के लिए हम एक क्वाइन इशू करने वाले हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और गाइस आपको मालूम है कि यूके ने क्या किया था, महात्मा गांधी का जो चश्मा था उसकी भी नीलामी करवाई थी ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ यूटी हैज लॉन्च अ ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, तो किस स्टेट या यूटी ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन? वी हैव फाइव ऑप्शंस, व्हाट इज द आंसर? ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, एंड द आंसर इज द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे, तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द भारत एयर फाइबर कनेक्टिविटी सॉल्यूशन बेस्ड एट द रेडियो नेटवर्क। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है गाइज कि भारत एयर फाइबर कनेक्टिविटी का इनॉग्रेशन कहां पर हुआ, किसने किया, तो मे बी आप आंसर दे लो, बट कहां पर हुआ तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर संजय धोत्रे है, ऑप्शन नंबर डी। ये कौन है भाई? तो संजय धोत्रे की बात करेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द एचआरडी भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, ठीक है। और इन्होंने भारत एयर फाइबर सर्विस का इनॉग्रेशन अकोला में किया, महाराष्ट्र में, अकोला। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना जरूरी है, ये भी किसने किया, इट्स ओके, बट ये भी पॉइंट देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज वन द फिक्की सीएसआर अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, फिक्की सीएसआर अवार्ड फॉर द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, किसने ये अवार्ड जीता? और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डालमिया भारत ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी। तो डालमिया भारत ग्रुप ने अवार्ड जीता है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एट द 18th फिक्की सीएसआर अवार्ड सेरेमनी में, ठीक है। तो 18वां एडिशन था फिक्की सीएसआर अवार्ड की बात कर रहे हैं। सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कौन से कॉर्पोरेट, कौन सी कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने प्रॉफिट का 2% खर्च किया है फॉर द सोशल वेलफेयर, और ये पैसा खर्च हुआ है फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एडेड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सोलर प्लांट इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे ऑफ द जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स। तो जेएमके रिसर्च और एनालिटिक्स ने एक रिसर्च किया है और क्या बताया कि किस राज्य ने देश में सौर संयंत्रों की अधिकतम क्षमता को जोड़ा है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सोलर प्लांट, ये कौन सा स्टेट है? वी हैव फाइव ऑप्शन। आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज द राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो जेएमके रिसर्च ने बताया है कि राजस्थान ने मैक्सिमम कैपेसिटी 1745 मेगावाट को मतलब जनरेट करना शुरू कर दिया है, तो ये देख लीजिएगा। कर्नाटक दूसरे पे है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है, तो राजस्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वैशाली बोल रही है एमपी और अमन बोल रहे हैं असम, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी याद कर लीजिएगा। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कम आउट विद द ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। देखो तो डिफेंस प्रोडक्शन एंड द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, ये पॉलिसी हमारे देश में आई है। इट एम्स टू अचीव द एक्सपोर्ट ऑफ द 35,000 करोड़ इन द एरोस्पेस एंड द डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बाय द विच ईयर। यानी इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि 35,000 करोड़ रुपए हमारा जो टारगेट होना चाहिए रेवेन्यू का, और ये हम कब तक हासिल कर लेंगे एक्सपोर्ट के थ्रू। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर 2025 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाया है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव है 2025 तक कितना, 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन हैज सेलेक्टेड विच ऑप्शन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन बैंकिंग बिजनेस।
मतलब नेशनल बैंक ऑफ बहरीन अपने आप को डिजिटाइज करना चाहता है, इसके लिए वो किस कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाएगा जो कि इंडिया में कॉमन सॉफ्टवेयर है फॉर द बैंक, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इंफोसिस फिनाकल, ऑप्शन नंबर सी। तो इंफोसिस फिनाकल बेटा ये फिनाकल सॉफ्टवेयर बैंक हमारे यूज करते हैं, तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन और इंफोसिस के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए यहां पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द सहकर कोप ट्यूब एनसीडीसी चैनल टू इनकरेज फार्मर्स एंड द यूथ टू टेक बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव। तो गाइस आपसे क्या पूछा है कि सहकर कोप ट्यूब एनसीडीसी चैनल किसने लॉन्च किया था, सहकर की बात हो रही है, मतलब सहकारी मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर की। फिलहाल आंसर इज द नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर ई। तो नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो इन्होंने सहकर कोप ट्यूब एनसीडीसी इंडिया लॉन्च किया, एक तरह का यूट्यूब चैनल, टू इनकरेज द फार्मर्स एंड द यूथ टू टेक द बेनिफिट ऑफ द कोऑपरेटिव। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे सामने, आगे बढ़ते हैं। आपसे सिंपल सा पूछा कि इंदिरा रसोई योजना कहां पे लॉन्च हुई, इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी, अब इंदिरा गांधी जी हैं अगर तो मतलब ये वही स्टेट होंगे जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, तो हरियाणा में तो बीजेपी है, राजस्थान हो सकता है एमपी बीजेपी है, तेलंगाना में तो दोनों नहीं है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। तो इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, 100 करोड़ रुपए हर साल दिए जाएंगे, इसके तहत 8 रुपए प्लेट खाना यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे सामने है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कितने बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने मतलब शादी वादी के सीजन में बिना मतलब इनविटेशन के गए खाना वाना खाने, जब भी ठंडियों का सीजन आता है तो मैं देखता हूँ कि लड़कों के चेहरे पे चमक बढ़ जाती है, ठंडी का मतलब मतलब अप्रैल मई के बाद से ही, एक तो आईपीएल आ जाता है, दूसरा शादियों का सीजन आ जाता है ना, तो अपना बढ़िया खाना, आईपीएल मैच ले, मैच देखना, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द एशियन डेवलपमेंट बैंक विल लेंड $1.5 बिलियन टू विच कंट्री फॉर द कॉम्बैटिंग COVID-19। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक $1.5 बिलियन का पैसा देगा किस देश को टू कॉम्बैट द COVID-19। हालांकि इंटरनेशनल फंडिंग तो एग्जाम में नहीं आती है, बट दैट टाइम पर COVID-19 पे सब कंडीशन बड़ी खराब थी, तो ये सब न्यूज बड़ी न्यूज होती थी। आंसर इज द थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक $1.5 बिलियन थाईलैंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब हुआ मेरे साथ भी हुआ यार एक बार ठंडी में, तो देखो ठंडी में क्या फायदा होता है ना कि आप कुछ भी ऊपर पहन लो, मतलब ब्लेजर जैकेट तो सही रहता है, तो एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ भी, तो मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती ले गए थे और मैंने ध्यान दिया नहीं, मैं चला गया शादी में, जब मैं खाना वाना खा लिया तो मैंने नीचे देखा तो मैं स्लीपर में था, ऊपर बढ़िया जींस थी, जींस गंदी मंदी होती नहीं, ऊपर आप बढ़िया सा ब्लेजर पहन लो, बस कहानी खत्म हो गई आपकी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज द बुक सियासत में सदस्यता, एक बुक है इसका नाम आपके सामने दिया हुआ है, और इस बुक को किसने लिखा था, विजय कुमार चौधरी जी ने, ये स्पीकर थे इलेक्शन के पहले की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको किसने रिलीज किया ये आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर बिहार की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी ने रिलीज किया था सियासत में सदस्यता बुक को। ठीक है, और ये वहां के स्पीकर थे विजय कुमार चौधरी, उनकी वो एक बुक थी। ठीक है, तो आपके सामने सारी कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने, नीतीश कुमार, ठीक है, इन्होंने रिलीज किया है सियासत में सदस्यता, और विजय कुमार चौधरी इसके ऑथर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द बुक स्वच्छ भारत क्रांति, आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत क्रांति नाम की बुक को लॉन्च किया था। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, स्वच्छ भारत क्रांति बुक को लॉन्च किसने किया था, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, यहां पर 5 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मृति गजेंद्र सिंह शेखावत जी और स्मृति ईरानी जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन लोगों ने स्वच्छ भारत क्रांति बुक का विमोचन किया था। ठीक है, स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन बुक एडिटेड बाय द परमेश्वरम अय्यर, ये सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, इन्होंने एडिट किया है, और लॉन्च किसने किया है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जी ने, तो एक बुक हमारे सामने है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज साइंड MOU फॉर द वुमेन्स एम्पावरमेंट विद द ITC लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनियन लिमिटेड एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो किस स्टेट ने अपने स्टेट में महिलाओं का को मतलब हेल्प करने के लिए ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल से एग्रीमेंट किया था, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द AIR न्यूज ऑल इंडिया रेडियो, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो न्यूज कौन बने, ये आपसे पूछा गया, 5 ऑप्शन है हमारे पास, आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जयदीप भटनागर, ऑप्शन नंबर सी, जयदीप भटनागर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बंधन बैंक लिमिटेड हैज सोल्ड हाउ मच परसेंट स्टेक इन द बैंक टू मीट द नॉर्म्स ऑफ द RBI, मेरी बात सुनना, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साफ साफ नियम है कि कोई भी बैंक हो, चाहे वो स्मॉल बैंक हो, पेमेंट बैंक हो या बैंक हो, पहले 5 साल तक जो प्रमोटर होगा उसे अपना शेयर केवल 40% रखना है।
लेकिन बंधन बैंक के जो प्रमोटर्स थे, जो फाउंडर्स थे, जो मतलब मेन लोग हैं, उन्होंने अपना शेयर इसके ऊपर रखा था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अंत में क्या बोला कि हम बैन कर देंगे। तब इन्होंने अपना 20.95% शेयर सेल किया ताकि 40 वाला ये क्रिटेरिया पूरा फॉलो कर ले, ठीक है। तो बंधन बैंक ने क्या किया, अपना 20.95% स्टेक सेल किया था। क्यों किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नॉर्म्स न मानने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Who among the following has won the CSIR Young Scientist Award 2020 in the Biological Science category? CSIR Young Scientist Award ये किसे मिला? In the category of the Biological Sciences. We have five options. What is the answer? देख लीजिए, answer दीजिएगा। इसका answer क्या होगा? तो इसका answer हो जाएगा देवज्योति चक्रवर्ती। Option number C is the right answer. अगर हम CSIR Young Scientist Award की बात करेंगे, guys, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर बहुत लोग को ये award मिला है फॉर द बायोलॉजिकल साइंसेस, नाम आपको यहां पे बताया गया है, ठीक है। इन द केमिकल साइंसेस ये नाम बताया गया है, इन द अर्थ एरिया ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो नाम आपके सामने है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप इसे पूरा याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो यहां पर हम CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड की बात कर रहे थे, कई लोग को अवार्ड मिला है बेसिकली, तो मैंने पूरी पीडीएफ आपको यहां पर दे दी है, आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन has unveiled a new platform to help the fight food loss wastage? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जिसने वेस्टेज, फूड जो हम लोग कर देते हैं उससे लड़ने के लिए एक मंच का अनावरण किया है? तो खाने की बात हो रही है, अब खाने में या तो FAO होगा या तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो FAO ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, इसने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू हेल्प एक्सेलरेट ग्लोबल रिडक्शन इन द फूड लॉस एंड द वेस्ट, ठीक है। प्लेटफॉर्म का कोई नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वो हमें याद रखना है बस। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज चेयर्ड द फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ द खेलो इंडिया स्कीम? देखो अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो क्योंकि खेलो इंडिया की बात हो रही है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स के अंतर्गत आएगा, मतलब किरण रिजिजू। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि पहला जनरल काउंसिल मीटिंग था, फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग, उसके बाद ये मीटिंग हुई भी नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट इस तरह से है, ठीक है। आंसर इज किरण जी, देख लीजिएगा। तो पहला जनरल काउंसिल मीटिंग था खेलो इंडिया स्कीम का, इसलिए ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन पहला ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हाउ मेनी न्यू मेंबर्स टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में कितने कितने नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं? यहां पर पांच ऑप्शन आपके पास है, आप लोग तो पढ़ चुके हैं सब चीजें मेरे ख्याल से, है ना। कितने मेंबर? तो तीन मेंबर। तीन मेंबर कौन? अजय जैन, विवेक जौहरी और संगीता शर्मा। तो इनको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में एज ए मेंबर, तीन मेंबर, अजय, विवेक और संगीता, अजय देवगन, विवेक विवेक ओबराय और संगीता, कोई भी मान लो, है ना, संगीता बिजलानी मान लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द गिवन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू द पीएम नरेंद्र मोदी? तो आपसे क्या पूछा गया कि मतलब न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू द पीएम कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फोर ऑप्शंस, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो है वो पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं, तो ये इनका नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बायोग्राफी ऑफ इंडियन प्लेयर विशेष भृगुवंशी, ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं, जिसका टाइटल है विशेष कोड टू विन, हैज बीन रिटन बाय द नोपमा यादव। विशेष हैज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी बुक का नाम आपको दे दिया है, किसके ऊपर ये बुक बनी है उसका नाम आपको दे दिया है, और हु इज द ऑथर उसका नाम भी आपको दे दिया है। नेम निरुपमा यादव ऑथर है। आपसे पूछा गया कि विशेष किस टीम के लिए खेलते हैं, ये कैप्टन है, एग्जैक्टली में कैप्टन है, और इसका आंसर क्या होगा? बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी। तो विशेष भृगुवंशी की बात करें, भारत के सबसे कम एज के बास्केटबॉल टीम कैप्टन बने हैं, तो इनके ऊपर विशेष कोड टू विन एक बुक आई थी और ये निरुपमा यादव ने इस बुक को लिखा हुआ है, तो आपके सामने सारे पॉइंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूली इंस्टॉल्ड मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम एयरपोर्ट पे लगा है कि मतलब जब भीड़ निकलती है ना, तो मतलब ये किसके बॉडी से हीट मतलब निकल रहा है वो सेंसर से के देख लेंगे। तो ये मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम जो है ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगा हैदराबाद में, ठीक है। ये किसके हेल्प से लगा ये आपसे पूछा गया, तो कहां पे लगा तो ये भी याद कर लीजिएगा, और किसके हेल्प से लगा, तो ये लगा था एडीबी और यूनिसेफ के हेल्प से। तो देख लीजिए यहां पे, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूनिसेफ की हेल्प से ये आपका जो मास सिस्टम था इसको लगाया गया है, मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम, और ये कहां पे? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म डिवीजन ऑफ
फिल्म डिवीजन विल पे ट्रिब्यूट टू मुंशी प्रेमचंद जी एंड मोहम्मद रफी जी विद अ डॉक्यूमेंट्री। देखिए मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो इनकी 140वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, और मोहम्मद रफी की बात करें तो इनकी 40वीं वो था पुण्य स्मृति, मतलब मरे थे ये, ठीक है। तो उसको मार्क करने के लिए फिल्म डिवीजन ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसको किसने डायरेक्ट किया ये आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पीसी शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार, तो मुंशी प्रेमचंद जी और मोहम्मद रफी, 140 बर्थ एनिवर्सरी मुंशी प्रेमचंद जी की और 40वीं डेथ एनिवर्सरी किसकी, मोहम्मद रफी की। तो इन दोनों को मार्क करने के लिए प्रेमचंद एंड रफी वी रिमेंबर यू नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, और इसको पीसी शर्मा ने डायरेक्ट किया, आपके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हैज स्टार्टेड द आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट ऑन इट्स वेबसाइट। तो आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन जो कॉन्टेस्ट है ये हो गया, अब इसके विनर का नाम नहीं आया है। तो ये किसने, किस कहां पर ये लॉन्च हुआ, किस वेबसाइट पर ये हुआ, मतलब पूरा कि आप जाकर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा माई गो, है लिखा कहीं पर, हाँ माई गो डॉट इन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर, देखिए यहाँ पे, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की हम बात करें तो एक लोगो डिजाइन करने के लिए कॉन्टेस्ट हुआ, कहां पर हुआ, mygov.in प्लेटफॉर्म पर हुआ। तो ये पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, उमंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस फ्री ट्रेवल कंसेशन टू वुमेन इन गवर्नमेंट बसेस ऑन द ओकेजन ऑफ द रक्षाबंधन फॉर द फोर्थ ईयर, ठीक है। तो रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को फ्री में मतलब यात्रा करने की छूट, और ये किसने किया, ये हमारे बाबा है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट इट्स मानसून फेस्टिवल आदि पेरकू। तो आदि पेरकू फेस्टिवल किस स्टेट में हुआ, वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, देखिए और आंसर दीजिएगा। इसका आंसर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो तमिलनाडु में ये आदि पेरक को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया का सबसे बड़ी डेयरी बानस डेयरी, इसने बताया है कि मतलब किस तरह से मतलब ये गाय के जो गोबर होते हैं उससे सीएनजी बना सकते हैं। तो बानस डेयरी कहां का है ये आपसे पूछा गया। तो यार देखो डेयरी वेरी जो है ना ये सब ज्यादातर गुजरात में है, तो इसका आंसर गुजरात होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गुजरात देश और एशिया की सबसे बड़ी बानस डेयरी की बात करें तो इन्होंने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू प्रोड्यूस सीएनजी गैस फ्रॉम द एनिमल टैंक, गुजरात का ये है, देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी इज सपोर्टिंग आर्टिशियन इन इंडिया थ्रू द समर्थ प्रोग्राम। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, समर्थ प्रोग्राम किसका है भैया, जिसके थ्रू जो लोकल आर्टिशियंस उनको हेल्प की जाएगी, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेजन, स्नैपडील, नन ऑफ दीज। तो समर्थ प्रोग्राम की बात करें, आंसर इज द फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर ए, फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम, याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिमूविंग बैरियर बिटवीन द आर्ट साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। Which of the following institute has started an MA program in English literature? तो इसमें से किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने MA शुरू किया है इन द इंग्लिश लिटरेचर एक कोर्स। तो वी है फाइव ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा NIT त्रिची, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर है। चलिए गाइस, तो NIT त्रिची की हम बात कर रहे हैं, MA प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब IPL हो चुका है, तुम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन तो पता है। तो 2020 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में IPL से बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया था, तो फिलहाल आपको ध्यान देना एडिशन पर। तो ये 13वां एडिशन था गाइस, है ना। और अगर हम बात करें तो इस बार हर फ्रेंचाइजी जो कंपनी थी उनके पास 24 प्लेयर थे स्क्वाड में, ये भी सही है, ये भी सही है। एंड दुबई, आबू धाबी, शारजा, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री। तो यहां पर ध्यान देना 13th एडिशन था, हर फ्रेंचाइजी में 24 प्लेयर खेल रहे थे, ठीक है। और ये दुबई, आबू धाबी और शारजा में हुआ, आपको मालूम ही है, उसकी आगे पूरी कहानी आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली अ मैसिव ब्लास्ट शेक बेरूत। तो बेरूत इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। तो बेरूत में एक मैसिव ब्लास्ट हो गया था, आपको मालूम ही है ना, यहाँ के PM ने रिजाइन दे दिया था। तो बेरूत इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, एंड द आंसर इज द लेबनन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेबनन की कैपिटल बेरूत है एंड करेंसी लेबनानीज पाउंड है, तो आपको ये मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली HRD मिनिस्टर लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द IIM एट धौलाकुआ इन विच प्लेस, ठीक है। देखिए गाइस, तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज नया IIM बन रहा है, और ये कहां बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहां पे, धौलाकुआ, और धौलाकुआ में कहां पड़ता है ये, मैं तो गया हूं धौलाकुआ ना, तो ये अल्मोरा में सिरमौर में है ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है कहां पे, धौलाकुआ, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ द कुशक
बाकुला रिनपोचे एयरपोर्ट, अच्छा एयरपोर्ट ठीक है, कुशक बाकुला रिनपोचे एयरपोर्ट जो है उसकी सिक्योरिटी जो है वो अब सीआईएसएफ ने ले ली है। तो ये एयरपोर्ट कहां पे है, बठिंडा में है, लेह में है, सिया में है, दार्जिलिंग में है, नॉन ऑफ दिस कहां पर है ये, तो ये लेह में है ऑप्शन नंबर बी। तो कौशक बाकुला रिनपोचे एयरपोर्ट, यानी कि आपके स्टैटिक जी में भी क्वेश्चन बन सकता है कि एयरपोर्ट कहां पे, लेह में है ठीक है, और सीआईएसएफ के अंडर में अब ये कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंपनी पार्टनर्ड विद द क्राफ्ट सिलिकॉन टू इनोवेट एंड एक्सेलरेट द डिजिटल लोन रीपेमेंट सॉल्यूशन, डिजिटल लोन रीपेमेंट सॉल्यूशन मतलब जिसको हमने लोन दिया है वो रीपे कैसे करेगा, तो किस कंपनी ने क्राफ्ट सिलिकॉन से डिजिटल लोन रीपेमेंट सॉल्यूशन पे एग्रीमेंट साइन किया है, व्हाट इज द राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 पेयू। तो देखो पेयू कंपनी है, पेयू और क्राफ्ट सिलिकॉन ठीक है, दो पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव द महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड लगभग 1000 करोड़ रुपीज ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक विल प्रोवाइड 70% ऑफ द फंड टू द प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें 70% फंडिंग कौन कर रहा है, वी हैव 5 ऑप्शन गाइस, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा भाइयों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, तो एडीबी इज द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क की बात की थी, उसमें एडीबी जो है वो 70% फंडिंग करेगा, 30% स्टेट गवर्नमेंट, और ये पूरा अमाउंट रहा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टाइड अप विच कंट्री फॉर 5 न्यू मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट वर्थ ₹8 मिलियन, तो भारत ने 8 मिलियन पाउंड की 5 नई औषधीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए किस देश से एग्रीमेंट किया था, यूके, रशिया, चाइना, ब्राजील एंड यूएस, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यूके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है ना, तो यूके हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच स्टेट ऑब्लिक यूटी रैंक टॉप इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस इन द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेकंड एज पर द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ऐसे आते हैं, तो आइए इसके आंसर की बात करते हैं, आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। तो जितेंद्र सिंह ने इन्फॉर्मेशन दी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर आया है ठीक है, ये देख लीजिए, और पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे है और जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पे है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जेएनके दूसरे नंबर पे है ठीक है। फाइंड द मिनिस्ट्री विच रिसीव स्कॉच गोल्ड अवार्ड, अभी हम लोग स्कॉच प्लैटिनम की बात कर रहे थे तो वेस्ट बंगाल को मिला है वो, अब स्कॉच गोल्ड अवार्ड की बात करें किसको मिला, और यहां पर देखो कैटेगरी ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल्स, तो मालूम चल ही रहा है मैं 66वां एडिशन था, हम भूले नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स गोल्डन, वेस्ट बंगाल प्लैटिनम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज ड्रोन फॉर द एरियल सीडिंग टू द इंक्रीजिंग ग्रीन कवर इन अरावली रिसेंटली ठीक है, मतलब जो अरावली डिस्ट्रिक्ट अरावली वो है मतलब लाइन्स है श्रृंखला जो प्रभाव श्रृंखला है वहां पर ग्रीनरीज को बढ़ावा देने के लिए एरियल सीडिंग हो रही है, हवा से बीज डाले जा रहे ड्रोन के थ्रू, तो विच आईआईटी डिजाइन द सीडिंग ड्रोन, किस आईआईटी ने डिजाइन किया ये ड्रोन को, ये आपसे पूछा गया है, 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर क्या होगा, आंसर इज द आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर 4, आईआईटी कानपुर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ठीक है, तो आईआईटी कानपुर हमारा सही आंसर है। हाउ मच परसेंट रिजर्वेशन वॉज गिवन फॉर द मोर बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस बाई द राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्गों को कितना परसेंट रिजर्वेशन और दिया है, तो वी हैव 5 ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा हमारा 5%, ऑप्शन नंबर 3, 5% ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, राजस्थान गवर्नमेंट 5% फॉर द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज ठीक है, आपके सामने है, याद कर लीजिएगा, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस आपके। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लान्स टू सेटअप इट्स ओन वेयर हाउस इन विच कंट्री, तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये प्लानिंग की है कि ये किस देश में अपना ओन वेयर हाउस बनाएंगे फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन, एंड द आंसर इज द वियतनाम, ऑप्शन नंबर 3, तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वियतनाम में अपना वेयर हाउस डेवलप करने जा रहा है ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द विच स्टेट, हालांकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टेट के अपॉइंटमेंट पूछे उतने नहीं जाते हैं, आंसर इज द मणिपुर, ऑप्शन नंबर 5, राजेश कुमार मणिपुर, राजेश कुमार मणिपुर ठीक है, राजेश कुमार मणिपुर, हाँ हाँ, ह्यूरिकेन्स आते हैं एग्जाम में भैया, देखो तो नेम द ह्यूरिकेन विच हिट द बहामास रिसेंटली, तो बहामास को अभी कौन से मतलब अभी नहीं मतलब अगस्त में किस तूफान ने हिट किया था, अल्बर्टो, सैंडी, एलन, इसाइयस एंड गॉर्डन, गॉर्डन, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इसाइयस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, तो इसाइयस बहामास में आया था, एक तूफान है वहां पर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपसे पूछा कि बंगस आवाम मेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी, बंगस आवाम मेला त्यौहार जो है वो किस स्टेट में या यूटी में हुआ, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फाइव ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन नंबर थ्री। तो जम्मू कश्मीर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, बंगस आवाम मेला। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? हिरोशिमा डे कब मनाते हैं भैया? वहां पर बम गिरा दिया था ना अमेरिका ने, तो ये कौन सा एडिशन था गाइस? तो ये 75th एडिशन है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ भी सकता है। तो आंसर इज द 6th अगस्त ऑप्शन नंबर सी। तो हिरोशिमा डे की बात करें 6 अगस्त को ये होता है, और इस बार 75th एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी का मतलब एडिशन था, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज पेंड द बुक अमेजिंग अयोध्या दैट विल शेड लाइट इन ऑन द हिस्ट्री ऑफ द अयोध्या। तो अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। पांच ऑप्शन आपके पास है, आंसर क्या होगा? आंसर की बात करें, आंसर इज द नीना राय ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो अमेजिंग अयोध्या की बात करें तो नीना राय इस बुक की ऑथर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द परिवार पहचान पत्र, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की सिटीजन के लिए परिवार पहचान पत्र शुरू कर दिया बिना, ये आपको प्रश्न बताना है। पांच ऑप्शन आपके पास है, आंसर क्या होगा? और गाइस अगर आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हरियाणा हमारा सही आंसर है। तो मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, इन्होंने परिवार पहचान पत्र शुरू किया अपने स्टेट में, तो एक पॉइंट आपके सामने था। आगे बढ़े गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज टाइड अप विद ISB, ISB का मतलब ये बात हो रही है हैदराबाद की, जो आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है उसकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान देना, इससे रेलवे ने भी MOU साइन किया हुआ है, और रेलवे ने अभी कुछ दिन पहले ही वापस से रिन्यू किया हुआ है। फिलहाल स्टेट की बात हो रही है, तो ये हैदराबाद में है, लेकिन आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने MOU साइन किया हुआ बेसिकली किसके साथ, ISB के साथ, मतलब इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। तो एक पॉइंट हमारे सामने है। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट हैज लॉन्च अ वेब पोर्टल वर्क्स मैनेजमेंट। तो गाइस क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया है, एक मिनट, विच स्टेट हैज लॉन्च अ वेब पोर्टल वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट वर्क्स इन द अर्बन लोकल बॉडी। तो किस राज्य ने वर्क मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया था? वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने वर्क मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया था, एक सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ द अजय त्यागी जी एज द सेबी चेयरपर्सन बाय द हाउ मेनी मंथ। तो अजय त्यागी जी जो सेबी के चेयरमैन है, उनको मिला हुआ एक्सटेंशन कितने मंथ का, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ई। तो 18 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, 18 महीने के लिए। ठीक है, तो अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन, 18 महीने। तुम लोग थक गए हो क्या जी? हाँ, थकना मना है, थकना मना है, थकना मना है। 2 घंटे की मेहनत, हो सकता हो कि हमारे एग्जाम में हमें 5 से 6 क्वेश्चन दिला दे, 2 घंटे की मेहनत बस, है ना। और ये 5 से 6 नंबर हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। गाइस हमेशा याद रखिए मेरी बात, आप सबसे बेस्ट तब करते हो जब आप चाहते हो बेस्ट करना, और अभी आप चाह रहे हो बेस्ट करना, है ना, क्योंकि आपके प्री के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, मेंस के एग्जाम आएंगे ही आएंगे, और जो बच्चे हैं जिनका प्री में नहीं भी हुआ है, उनको मालूम है कि अभी और भी एग्जाम के रिजल्ट आने बाकी हैं, और जब रिजल्ट आते हैं तो हमको मिलता है 15 से 20 दिन याद करने के लिए, तो हम अपना बेस्ट देते हैं। तो अभी आप अपना बेस्ट दे रहे हो, और इस बेस्ट देने में कभी भी अपने अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे हो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडी, लाइक मॉक टेस्ट, लाइक क्वांट, लाइक रीजनिंग, लाइक इंग्लिश, लाइक जीए। तो अभी आप लोग अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया गेम खेल रहे हो। वो अलग बात है कि इस गेम में आप हारोगे या जीतोगे, क्योंकि एक चीज तो होनी है, तो हारे तो जीत, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस टाइम पर बच्चा अपना सबसे बेस्ट देता है, है ना। तो इसका इसकी रिस्पेक्ट करिए, आप अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल भी किसी से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अपने प्लान्स बनाइए, खुद फॉलो करिए, खुद अचीव करिए, और गाइस इससे आपको लॉट ऑफ मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप हमसे जुड़े हो, आप मुझसे जुड़े हो, और वी आर रॉक स्टार ऑलवेज। हम यहां पर आए हैं, इस दुनिया में आए तो डेंट देके ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। गाइस लव यू। चलिए सॉन्ग, 200 पे सॉन्ग नहीं बोला था मैंने, 250 बोला था भाई लोग, ऐसा ये नहीं चलेगा, है ना। श्री बोल रहे हैं कि सर आपकी करंट अवेयर सफिशियंट है। श्री पहले तो आपको बेटा ये करना पड़ेगा ना कि मेरा करंट अवेयर कितना आपको मिला, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए बेटा, आपको हर महीने का मोर देन 1000 MCQs मिलेगा, आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा ना बेटा, है ना। तो चलिए चलिए देखते हैं,
रिजल्ट डिमोटिवेट कर देते हैं। तो देखो यार एक बात मेरी समझना, कब तक डिमोटिवेट करेंगे? एक एक समय ऐसा आता है जब घर वालों के प्रेशर पड़ते हैं, आपके 2 साल 3 साल से सिलेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन गाइस आप ना उतना ही एग्जाम क्लियर करने के पास जा रहे हो, तो घर वालों का ताना सुन के या तो तुम अपना ये ड्रीम छोड़ दो और जो तुम्हें नहीं करना तुम वो करो, या 1 साल और रुक जाओ। मैं कह रहा हूं 2 साल कोई बुराई नहीं है यार, कोई बुराई नहीं है 2 साल 3 साल 4 साल अपना मतलब व्यतीत करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता हो कि आपकी आगे आने वाली 50 साल अच्छी हो जाएगी उससे, तो ये माइंड में मत लाओ यार, एकदम मत लाओ कि मतलब यार हमारे 1 साल हो गया क्या करें, कोई बात नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको करना ही है ना, तो ये 1 2 साल 3 साल वाला मतलब नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि एज ना बीत जाए, हाँ तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आइए शुरू करते हैं ना। चलिए, तो अमेज़न वेब सर्विसेज हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू हेल्प एमएसएमई एज वेल एज लार्ज बिजनेसमैन टू अडॉप्ट क्लाउड सॉल्यूशन। तो अमेज़न वेब सर्विस ने इसमें से किससे एग्रीमेंट किया है, देख लीजिए, टू हेल्प द एमएसएमई। माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एयरटेल, जियो एंड फ्लिपकार्ट, वी हैव 5 ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एयरटेल, ऑप्शन नंबर सी। तो अमेज़न वेब सर्विसेज और एयरटेल फॉर द एमएसएमई, ध्यान दीजिएगा, तो एयरटेल और अमेज़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट ऑफ द एन अनआर्म्ड मिनट मैन 3 मिसाइल। तो किस देश ने मिनट मैन 3 मिसाइल को लॉन्च किया, बस ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यूएसए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये उनकी मिसाइल है, बस इतना, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी अगर लेंथ की बात कर ले, रेंज की बात कर ले, तो यूएस ने लेंथ तो नहीं बताई, लेकिन यूएस ने बताया कि इस मिसाइल ने जो हमारा टारगेट जो टच किया वो 42,000 माइल्स पर था, मतलब 6759 किलोमीटर। तो पर्टिकुलरली रेंज मालूम नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड अ मोबाइल आरटीपीसीआर कोविड-19 टेस्टिंग लैब। ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। मोबाइल का मतलब क्या हुआ? हम वैन की बात कर रहे हैं, हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल आरटीपीसीआर कोविड-19 टेस्टिंग लैब, ये किसने लॉन्च किया और कहां पे लॉन्च किया? क्वेश्चन ये मतलब कहां पे लॉन्च किया, तो ये बैंगलोर में लॉन्च हुआ है और इसे IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मोबाइल आरटीपीसीआर कोविड-19 टेस्टिंग लैब, इसको प्रॉपर वैन में करना, ये IISc के साइंटिस्ट ने किया। ये क्वेश्चन बड़ा है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, मैं फिर से आपसे बोल दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां पर? तो ये हमने कई बार रिवीजन कर लिया है। तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां बनेगा? तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिया टू द इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड? इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, ये आपसे पूछा गया। 5 ऑप्शन आपको दिए, इसका आंसर क्या होगा? और आंसर की बात करेंगे इस, तो आंसर इज 15.46 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। 15.46 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडिया 15.46, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, रुक जाओ बस 1 मिनट दो मुझे, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो गए हमारे, उन्होंने ध्यान दिया ये सब चीज, ये सब ध्यान मत देना केवल, ये उन्होंने बातों ही बातों में 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहां से। चलिए, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट अनाउंसमेंट, द NHB एंड द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विल गेट द स्पेशल फैसिलिटी ऑफ। तो RBI ने क्या बोला कि नाबार्ड को और NHB को कितना कितना पैसा और दिया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 5,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5,000 करोड़ रुपए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक, 5 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ले लेते हैं, 1 मिनट का ले लेते हैं, ठीक है। और बताओ तुम लोग क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है जिंदगी में, तुम लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? बॉयस सब बढ़िया है ना, एक्सपेक्टेशंस तो लगे होंगे, फैमिली की बात नहीं कर रहा ब्रो, मतलब मोटिवेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ दिन का और इंतजार है, अपना सिलेक्शन ले लीजिए बढ़िया से। गर्ल्स बड़ी अच्छी है, बिटिया हैं सब, बहुत मम्मी लोग का ख्याल रखते हैं, घर वालों ख्याल रखती हैं, कुछ काम वाम करती हैं बेचारी, बेचारी मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब नहीं, बहुत अच्छी बच्ची हैं सब, बहुत काम करती हैं, घर की पूरी साफ सफाई करती हैं, सुबह उठ जाती हैं, भगवान की पूजा, नहाना धोना, फिर अपना पूरा पढ़ाई करना, मैनेज करना, गुड, वेरी गुड है ना। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट कर लेंगे, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है। भूख लग गई है तानिया जी, कोई बात नहीं, हमें भी लगी है भूख, साथ में खाना खाते हैं ना क्लास खत्म करने के बाद। सर मेंस का समझ में नहीं आ रहा, राहुल जी क्यों समझ में नहीं आ रहा? आप अपना कर्म करिए, आप उतना फल की इच्छा मत करिए, कर्म करिए, एक पेज पर टारगेट्स बनाइए। हमारे साथ भी होता है ऐसा कि हमें भी चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं, तो आपके पास 1 वीक का शेड्यूल होना चाहिए,
एक वीक का शेड्यूल बना लीजिए कि मतलब इस वीक में हमें ये करना है और प्रॉपर आपके सामने वो होना चाहिए। स्केड्यूल बनाइए तभी हो पाएगा, वरना मेंस में बहुत कुछ पढ़ना है आप कर नहीं पाएंगे फिर। चलो शुरू करते हैं आज, ठीक है शुरू करते हैं फिर, आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चलिए। तो विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद द भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो आपसे क्या पूछा कि किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस से टाई अप किया है। तो मैंने आपको बताया था भारतीय लग गया, पेमेंट लग गया तो एयरटेल होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा, ये दो पॉइंट आपको ध्यान देने हैं बस, ठीक है। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन रैंक द विच नंबर ऑफ बिगेस्ट ब्रांड ग्लोबली आफ्टर एप्पल। मेरे ख्याल से आज मॉर्निंग में ही मैंने आपको बताया शायद ये। तो रिलायंस कंपनी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ब्रांड बन गई है आफ्टर द एप्पल इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे, द मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द नेशन। तो वही है गाइस, वही है हमारा, ये वही क्वेश्चन ही है बेसिकली, है ना। तो इसका आंसर कर्नाटका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और इंडिया ये IISc बेंगलुरु ने से बनाया, ये वही बात है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द पैनल सेटअप बाय द RBI फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। गाइज आपको शायद याद होगा तो 26 सेक्टर में लोन रिस्ट्रक्चरिंग का रिकमेंडेशन आया था इस कमेटी से, आपको याद होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 सेक्टर में लोन को रिस्ट्रक्चर करना है, ये किस कमेटी ने बोला था, आंसर इज द केवी कामत कमेटी, ऑप्शन नंबर ई, ये वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कमेटी को लीड कौन करेंगे, केवी कामत जी करेंगे, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो गाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आप लोग क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज पार्टनर विद द फिजर टेक्नोलॉजी फॉर इंश्योरिंग डिजिटाइजेशन ऑफ देयर इंड टू इंड कार्ड इश्यूएंस एंड प्रोसेसिंग साइकिल। सिंपल सा मतलब यह है कि इसमें से कौन सी कंपनी ने फिजर से एग्रीमेंट किया है, FISERV, और इसका आंसर होगा बॉब फाइनेंशियल। तो बॉब फाइनेंशियल फिजर, अच्छा बॉब फाइनेंशियल ने साइनजी से भी किया था ना, साइनजी, ये भी याद रखिएगा, बॉब फाइनेंस और साइनजी, बॉब फाइनेंस एंड फिजर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस पे आउट सोल्यूशन। पे आउट सोल्यूशन, मैंने आपसे बोला गाइस अगर आपसे पे आउट लिंक पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पेटीएम। अगर पे आउट सोल्यूशन पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पेयू। पे आउट सोल्यूशन पूछेगा तो पेयू, पे आउट लिंक तो पेटीएम, और किस बैंक ने पे आउट शुरू किया तो RBL बैंक, RBL बैंक, ठीक है। तो ये ध्यान देना, मैंने तीन चीजें आपको बताई है यहाँ पे, तीनों को ध्यान देना है आपको, ठीक है। पेयू इज द राइट आंसर। Who among the following has been named as the independent director at the Nippo Life India Asset Management Company? Nippo Life India Asset Management Company मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसे अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, इनका नाम क्या है, पारिक अश्विन, ऑप्शन नंबर सी। पारिक अश्विन क्या बने हैं, निप्पो लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट के क्या बने हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, टू रोप इन द स्टार्टअप एंड द IT सोल्यूशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एफिशियंट बैंकिंग सर्विसेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेटअप। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स, IT सोल्यूशंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बेहतर बनाने के लिए किसके स्थापना की बात बोली है, जिसको लीड करेंगे क्रिश, क्रिश वो ऋतिक नहीं मतलब वो इन्फोसिस वाले कृष्ण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनोवेशन हब। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, ये आजकल करंट अफेयर्स में था भी, हमने पढ़ाया भी आपको, है ना। तो इनोवेशन हब याद रखिएगा इस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेशनल हैंडलूम डे हम कब मनाते हैं, तो नेशनल हैंडलूम डे हम कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 7 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7 अगस्त हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द एप्लीकेशन लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे टू मॉनिटर टेक्निकल स्नेज इन रियल टाइम। तो भारतीय रेल द्वारा वास्तविक समय में तकनीकी झटक, ये जो ऊपर ओवरहेड जो नहीं तार होते हैं, तो कभी कभी इसमें टूटने उठने से या कुछ खराबी आने से ट्रेन लेट हो जाती है, तो इसी को मतलब प्रॉपर इंस्पेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, OHE इंस्पेक्शन एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, इंडियन रेलवे OHE इंस्पेक्शन एप्लीकेशन, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, ओमान इंडिया, ओमान देश, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, इसने किस बैंक में 1.363% का स्टेक परचेस किया है। ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने किस बैंक में 1.63% का शेयर परचेस किया है, आंसर इज द DCB बैंक, ऑप्शन नंबर सी। तो ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने 1.63% शेयर एक्वायर किया है DCB बैंक का, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड जो है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट जनरल रिजर्व फंड ऑफ ओमान, इनके मिला जुला ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च अ स्कीम फॉर द तेंदू लीव्स कलेक्टर। तेंदू लीव, तेंदू का एक पत्ता होता है जिससे बीड़ियां बनती हैं, अंशुल है ना, पता है ना अंशुल,
तेंदू बीड़ी बनते हैं इससे, है ना। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? आंसर इज द छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। ये स्कीम का नाम बहुत बड़ा है दिखेगा, तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष श्रमिक सुरक्षा योजना। तो ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये इतना लंबा नहीं पूछेंगे, तो स्टेट पूछ सकते हैं कि तेंदु के लिए, तो छत्तीसगढ़ याद रखेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेम द स्कीम लॉन्च बाय द हरियाणा चीफ मिनिस्टर खट्टर जी टू प्रोवाइड द फॉरफिटेड फ्लेवर्ड स्किम मिल्क पावर टू चिल्ड्रेन बिटवीन द 1 to 6 ईयर ऑफ एज। तो 1 साल से 6 साल के बच्चों को प्रॉपर फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क देने की योजना बनाई है हरियाणा में, है ना। तो वो योजना का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया, उस योजना का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ऑप्शन नंबर डी। तो मुख्यमंत्री अच्छा अंशुल पांडे लगा है नहीं क्लास में, है ना। चलो अच्छा मुझे मालूम चल गया कौन क्लास में है नहीं। तो मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हमारा सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो खट्टर जी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू किया है और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना कहां? हरियाणा में शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ग्रिड पॉलिसी टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर द आईटी इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रिड पॉलिसी लॉन्च किया है टू प्रोवाइड द इंसेंटिव फॉर द आईटी इंडस्ट्री डेवलपमेंट। यहां पे 5 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर क्या हो देखिए यहां पे, ठीक है। इसका आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रिड का मतलब होता है ग्रोथ इन डिस्पर्जन पॉलिसी, तेलंगाना ने लॉन्च किया था, इतना क्यों याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर ऑफ द विंड ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट। ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर ऑफ द विंड ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट किस कौन बना है ये पूछा गया है। आंसर इज सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर ई। सुरेश रैना ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर जी ये लोग बने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच बैंक हैज रिसेंटली रिसीव द नॉट From the Reserve Bank of India to set up a non-financial subsidiary, non-financial subsidiary का मतलब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसका क्या है, बॉब फाइनेंशियल है ना, वैसे ही सेम। आंसर इज द साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी। तो साउथ इंडियन बैंक जो है इसको मतलब होली ओन्ड नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी ओपन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं एक मिनट मैंने कुछ गलत बोल दिया, अच्छा ठीक है। तो गाइस अभी तक क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से क्या बोला था कि कोई जो बैंक होगा वो केवल और केवल अपना फाइनेंशियल सब्सिडरी ओपन कर सकता है। और साउथ इंडियन बैंक पहला बैंक बना है, मुझे याद है ये फर्स्ट बैंक बना है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी खोलने के लिए अलाउ कर दिया है। नॉन फाइनेंशियल का मतलब कि इसकी ही कंपनी होगी जो फाइनेंस में डील नहीं करेगी, कुछ और काम करेगी, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन। तो आपको बताना है बुक के ऑथर, बुक का नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन, वी हैव 5 ऑप्शन। आंसर क्या होगा, यतीश यादव, ऑप्शन नंबर ई। यतीश यादव ने इस बुक को लिखा हुआ है। द इंडियन रेलवे विल रन द फर्स्ट किसान रेल स्पेशल सर्विस, अब तो 100वीं भी चल रही गाइस, है ना। विच टू स्टेट, पहला किसान रेल किस किस स्टेट के बीच चला, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर महाराष्ट्र बिहार, ऑप्शन नंबर बी, है ना। पहला किसान रेल ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक चला, हमको ये मालूम ही, हमने पढ़ा हुआ है गाइस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च द विच रजिस्ट्री विद द ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट क्लिनिकल डेटा टू हेल्प इन एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी रजिस्ट्री लॉन्च करेगी जिसमें क्या होगा कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं या आपके हेल्थ चेकअप से या प्रीवियस रिकॉर्ड है वो यहां पे रखा जाएगा। इसका आंसर होगा नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आ सकता है, मतलब नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर द COVID-19, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ पार्टनरशिप विद विच कंपनी फॉर इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल एजुकेशन टूल इन द स्कूल अक्रॉस द स्टेट। और महाराष्ट्र पहला स्टेट बना जिसने अपने स्टेट में डिजिटल एजुकेशन के लिए गूगल के साथ टाई अप्स किए थे और पूरा गूगल सूट ये लेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ई एंड गूगल, गूगल ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र एंड गूगल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Who among the following will soon join the United Nations Institute for Training and Research as Global Program Coordinator? तो आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा है जो कि United Nations Institute for Training and Research में as a Global Program Coordinator appoint हुआ है? 5 ऑप्शन आपके पास हैं, आंसर आपको ठीक देना पड़ेगा, what is the right answer? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर प्रवीण परदेशी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रवीण परदेशी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो प्रवीण परदेशी हैं जो ये बनेंगे, अपॉइंट होंगे आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has been appointed as the MD and the CEO of the Punjab National Bank Housing Finance? PNB Housing Finance का MD CEO कौन बनेगा ये आपसे पूछा गया है और इसका आंसर होगा हरदयाल प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। हरदयाल प्रसाद ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। हरदयाल प्रसाद हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। Which bank has collaborated with the Instarim to enhance the outbound remittance? Instarim outbound remittance service for offering from India.
ठीक है, तो इंस्टाग्राम से किसने एग्रीमेंट किया था, ये SBM बैंक होना चाहिए। आंसर इज सी, SBM बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये आपके सामने देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो SBM बैंक इंडिया और इंस्टाग्राम ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ है, पांच ऑप्शन आपके पास है गाइस। आंसर क्या होगा, हर्ष कुमार भनवाला, ऑप्शन नंबर ई। इन्हें सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज का भी हेड बनाया है ना, कमेटी जो बनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने गाइस, यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन बने, आंसर इज द प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रदीप कुमार जोशी। इन्होंने अरविंद सक्सेना को रिप्लेस किया था। एज पर द रिसेंट स्टेटमेंट बाय द यस बैंक, LIC हैज एक्वायर्ड क्लोज टू हाउ मच परसेंट स्टेक इन द बैंक। यस बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से LIC कितना परसेंट शेयर जो है वो यस बैंक में पूरा कंप्लीट कर लेगी। तो यस बैंक की बात करें, LIC ने सबसे पहले 0.75% का शेयर लिया था और अब इसने 5% कर लिया। एक बार दिखाता हूं मैं आपको, देख लीजिए, 5, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए यहां पे तो यस बैंक ने बोला है कि LIC ने 5% शेयर एक्वायर कर लिए हैं, 0.75 ने बढ़ा दिया है, मतलब पहले इनके करीब 4.98 थे, अभी इन्होंने 0.75 और इंक्रीज कर लिया, तो मतलब करीब करीब 5% इनका शेयर हो चुका है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, 0.75% एंड 4.98, ये हरा क्यों चल रहा है यार, अच्छा इसलिए, और 4.98%, ये दो पॉइंट आपको थोड़ा सा और फोकस कर लेना है, एग्जाम में घुमाएगा तो आप घूम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन फॉर द 2020 प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवार्ड। कई बार प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन ही आ चुके हैं, प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवार्ड, प्रीवियस का मतलब इस साल नहीं, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। तो प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवार्ड किसे मिला, ये मिला था दीपांकर घोष को, ऑप्शन नंबर ए, दीपांकर घोष को भी मिला था और एक एनजीओ को भी मिला था, परी नाम था, परी, देख लो यहाँ पे, दीपांकर घोष और पीपल आर्चीव फॉर रूरल इंडिया परी, इन दोनों को मिला था, COVID-19 लॉकडाउन पर इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, दैट्स व्हाई इनको प्रेम भाटिया अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल सेट टू बिकम द न्यू CAG ऑफ द इंडिया। न्यू CAG कौन बने भाई, ये अभी जम्मू एंड कश्मीर के जो थे वो थे LT थे और अभी ये CAG बन गया, नाम क्या इनका, GC मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये राजीव महर्षि को रिप्लेस करेंगे। तो हमारे नए CAG कौन है, हमारे नए CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये याद रख लीजिएगा, राजीव महर्षि को रिप्लेस किया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ लॉयल्टी प्रोग्राम NTH रिवॉर्ड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने NTH अवार्ड लॉन्च किया था, मतलब अगर आप अपने डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, स्पेशली रुपए कार्ड से, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट को आप रिडीम करके कुछ आप परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं फोन पे यूज करता हूं, तो मुझे फोन पे कुछ पॉइंट मिलते हैं, तो कल ही क्या हुआ, कल ही मैंने देखा तो मुझे स्विगी पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला, जो मैं आज यूज करूंगा रात में उसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, NPCI, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो NPCI और NTH अवार्ड, ये आपके सामने गाइस, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, तो इसका आंसर होगा 8 अगस्त, ऑप्शन नंबर ई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 को हुआ था, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2020 में कौन सा एडिशन था, तो अपना गुणा भाग कर लेना और तुमने उसका आंसर देने में सक्षम हो जाओगे, क्वेश्चन बन सकता है। क्विट इंडिया मूवमेंट है भाई, ओल्ड है बट क्लासिकल है, मतलब एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो एक्सिम बैंक हैज एक्सटेंडेड $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री। यहाँ पे सॉन्ग सुनाने की बात आप लोग बोल रहे हैं गाइस, आप लोग को मेरे बारे में पता नहीं है। एक बार मैं गाना गा रहा था अपने घर के बाहर, तो मेरी माता जी बाहर आ गई भिक्षा लेकर, उन्हें लगा कि कोई भिखारी आया हुआ है, तो तब से मैं अंदर से डर गया हूँ, मैं गाना नहीं गाता हूँ, मैं कभी कभी गा देता हूँ, ठीक है। चलो ये कहानी तुम लोग कितनी बार सुन चुके हो यार मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल मोजाम्बिक, तो एक्सिम बैंक $250 मिलियन मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक्सिम बैंक $250 मिलियन मोजाम्बिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस आगे बढ़े, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहां पे, तो BHEL हैज बिगन सिविल वर्क एट 660 मेगावाट सागा दिर्घी पावर प्लांट इन विच स्टेट। 660 मेगावाट सागर दिघी पावर प्लांट, ये कहां पर बना है, ये आपसे पूछा गया। पांच ऑप्शन हमारे पास है, 660 मेगावाट है तो ये बड़ा पावर प्लांट है। आंसर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो BHEL की बात कर रहे हैं, 660 मेगावाट हो गया हमारा। अच्छा चश्मा लगाता हूं मैं, है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा मुझे भी रिलैक्स मिलेगा लाइट से, ठीक। ये नरेंद्र सर का चश्मा है, सागर दिघी नरेंद्र सर के ऊपर ज्यादा ये जस्ता है मुझे मालूम है, लेकिन अभी वो है नहीं तो मैं इस मौके फायदा उठा सकता हूँ, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर गाइस। आगे बढ़ते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट UT हैज लॉन्च एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी विथ इंसेंटिव ऑफ अप टू ₹1.5 लाख। तो गवर्नमेंट की बात करें, तो किस स्टेट गवर्नमेंट या यूटी ने मतलब बेसिकली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है विद इंसेंटिव,
ऑफ रुपीज 1.5 लाख। किसने लॉन्च किया? तो ये हमारे केजरीवाल साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, तो अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें 1.5 लाख रुपीज का इंसेंटिव मिलेगा अगर आप नई कार खरीदोगे तो। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दिल्ली का टारगेट है 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई द 2024, जो हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, लगता है मुझे। मतलब सरकार तो करवाएगी लेकिन लोग नहीं करना चाहेंगे ना, लोग क्यों अपनी कार को रिप्लेस करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा। तो 1.5 लाख का इंसेंटिव मिलेगा कार पर, 30,000 का मिलेगा कहां पर आपको मिलेगा, टू व्हीलर पे और ऑटो रिक्शा पे, फ्रेट व्हीकल पे। हाँ ठीक है, 30,000 रुपए टू व्हीलर पे, ऑटो रिक्शा पे, व्हीकल्स पे, और 1.5 लाख कार पर इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Which small finance bank has been appointed as the official retail banking partner for the Chennai Super King? चश्मा लगाने से थोड़ी स्टाइल भी चेंज हो जाती है ना, देखो कैसे मैं बोलूंगा। Which small finance bank has been appointed as the official retail banking partner for the Chennai Super King? What is the answer? What is the answer, guys? And the right answer is the Equitas Small Finance Bank, option number E. So Equitas Small Finance Bank और ये Chennai Super King जो हैं, इन्होंने अपने आप की partnership की है। ठीक है, तो clear, आगे बढ़ते हैं, next question. Which organization has launched the Khelo India mobile application, online training program for the principal and the PE teachers? Suna phir se. Which organization has launched the Khelo India mobile application, online training program? Khelo India mobile application, online training program kisne launch kiya? Ye aapse pucha hai for the principal and the PE teachers. Answer is the Sports Authority of India, option number A. Yehi hona chahiye tha guys, hai na? To Sports Authority of India and CBSE, इन्होंने खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन प्रोग्राम लॉन्च किया था, और यहीं पर गाइस क्या लॉन्च हुआ था आपका, ये मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द प्रिंसिपल एंड द पी टीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हु हैज लॉन्च द एप्लीकेशन माई हैंडलूम पोर्टल फॉर द वीवर्स ऑन द नेशनल हैंडलूम डे? माई हैंडलूम पोर्टल फॉर द वीवर्स ऑन द नेशनल हैंडलूम डे। तो भाई हमारे देश में हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? तो वही होंगी, स्मृति ईरानी जी, ऑप्शन नंबर सी। तो माई हैंडलूम पोर्टल, तो एग्जाम में क्वेश्चन घूम भी सकता है कि स्मृति ईरानी जी ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, है ना। तो माई हैंडलूम पोर्टल, तो गाइस छठवां नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया, ये 6th एडिशन था और माई हैंडलूम पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेम द एप्लीकेशन लॉन्च बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रजौरी टू इंप्रूव द पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन द डिस्ट्रिक्ट। तो रजौरी मतलब जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, वहां पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जन शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए, और इसका आंसर क्या होगा? आवाज ए रजौरी, ऑप्शन नंबर ई। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ रजौरी मोहम्मद नजीर शेख की बात करें, इन्होंने आवाज ए रजौरी नाम का एक बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन वहां पे लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रजिस्टर्ड विक्ट्री इन श्रीलंका पार्लियामेंट्री पोल, मतलब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन बने, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर इज द महिंदा राजपक्षे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महिंदा राजपक्षे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। विच इंस्टीट्यूट हैज वन द फर्स्ट प्राइज इन द स्मार्ट इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which institute has won the first prize in the Smart India Hackathon? तो कौन से institute ने जीता है? इसका answer क्या होगा? Answer is the Defence Institute of the Advanced Technology Pune, DIIT Pune. तो DIIT Pune को first prize मिला था as a institution. ठीक है, आपको याद रखना है। इन्होंने दृष्टि, दृष्टि नाम का एक device बनाया था। तो DIIT Pune ने दृष्टि नाम का एक device बनाया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। विच एप्लीकेशन हैज वॉन इन द आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन इनोवेशन चैलेंज इन सोशल कैटेगरी, इन सोशल। तो इंस्टीट्यूशन में DIIT दृष्टि, और अगर सोशल की बात करते हैं तो चिंगारी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक यूट्यूब की तरह भी आ गया है, और टिकटॉक आपका जो फेवरेट है, चिंगारी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज टू विलेजेस एज द सुनामी रेडी इन विच स्टेट, दो गांव को किस स्टेट में सुनामी रेडी का मिला है सर्टिफिकेट, और ये पूरे इंडो पैसिफिक में पहली बार हुआ है कि मतलब इंडिया में किसी विलेज को मिला है, और इसका आंसर क्या होगा? ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। और ओडिशा में दो गांव कौन से हैं? तो एक है आपका वेंकट रायपुर और दूसरा है आपका नोलियासाही विलेज। ये दोनों नाम आपको ध्यान देने पड़ेंगे शायद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गाइस, फटाफट। द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल कब मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस लोग, विश्व के स्वदेशी लोग। Answer is the 9 August, option number C. 9 August, option number C is the right answer. तो International Day of the World Indigenous People की बात करें, 9 August को ये मनाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस डे की, तो World Tribal Day के मौके पर ये, अच्छा इसे World Tribal Day भी बोलते हैं, और इसकी थीम है COVID-19 and the Indigenous People Resilience. COVID-19 and the Indigenous People Resilience, तो ये हमारी थीम है। आगे बढ़ते हैं। World Lion Day हम कब मनाते हैं? World Lion Day हम क्यों कब मनाते हैं? तो मेरा एक दोस्त है एग्जैक्टली में, उसका बर्थडे भी इसी दिन आता है, तो उसे मतलब वो भी मतलब काफी अच्छा है दिखने करने में,
बढ़िया है, मतलब अच्छा है, तो उसको हम लोग शेयर बोलते हैं. वर्ल्ड लॉयल्टी 10 अगस्त ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. वर्ल्ड लॉयल्टी 10 अगस्त, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री विल होस्ट द 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप. 2020 वाला कैंसिल हो गया गाइस ड्यू टू आईपीएल, सच्चाई जो है ना. 21 में इंडिया कर रहा है और 22 में ऑस्ट्रेलिया करेगा, ऑप्शन नंबर ई. तो 21 में इंडिया, 22 में ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा. अगर आपसे बोलेंगे एशिया कप तो 21 में श्रीलंका, 22 में पाकिस्तान, याद रखिएगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक हैज एक्वायर्ड 7.82% स्टेक इन द एवरीडे. एवरीडे कंपनी गाइस बचपन में चलता था टॉर्च और वो बड़े बड़े वो रेडियोस गांव में आप रहते होंगे, तो उसमें एवरीडे की बैटरी बड़ी वाली आती थी, है ना. एवरीडे ऐसे भी जानते होंगे. तो एवरीडे को इस बैंक ने लोन दिया था और ये बैंक, ये कंपनी जो है उस, ये कंपनी एवरीडे कंपनी है, एक बैंक ने लोन दिया था. अब एवरीडे कंपनी उस बैंक का पैसा वापस नहीं कर पा रही है, तो इस बैंक ने उसका इतना परसेंट शेयर एक्वायर कर लिया. आंसर इज इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. इंडसइंड बैंक 7.82 एवरीडे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द वीक लॉन्ग कैंपेन गंदगी भारत छोड़ो. किसने लॉन्च किया गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन, किसने लॉन्च किया? तो ये तो हमारे पीएम ने लॉन्च किया था, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, पीएम मोदी, गंदगी भारत छोड़ो, ठीक है. अगर तुमसे मान लो गंदगी भारत छोड़ो स्टेट में पूछता है क्वेश्चन, तो वो एमपी होगा, मध्य प्रदेश, याद रखना उसको, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, पीएम मोदी हैज लॉन्च हाउ मच अमाउंट डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द एग्री इंफ्रा फंड. आई थिंक ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में क्वेश्चन आया था, एग्री इंफ्रा फंड. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है. तो 1 लाख करोड़ रुपीज मोदी ने लॉन्च किया था फॉर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द पैनल टू फिक्स द सीलिंग रेट्स अंडर द डिप्टी रिइंबर्समेंट स्कीम फॉर एक्सपोर्टर. मतलब ये है बेटा, सीलिंग का मतलब होता है छत वैसे, लेकिन यहां पर मैक्सिमम का मतलब होता है. तो एक कमेटी बनी है, उसे लीड कौन करेगा? जो कि फिक्स करेगा मैक्सिमम रेट अंडर द ड्यूटी रिइंबर्समेंट स्कीम फॉर एक्सपोर्टर. यानी एक्सपोर्टर को हेल्प करने के लिए कुछ टैक्सेस ड्यूटीज होते हैं, उनको वापस रिइंबर्स किया जाएगा, मतलब कि वापस कर दिया जाएगा. तो इसके लिए कमेटी को लीड कौन कर रहा है? आंसर इज द जीके पिल्लई, ऑप्शन नंबर सी. 3 मेंबर कमेटी बनी है, जीके पिल्ला इसको लीड करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द चाइना क्विट इंडिया कैंपेन. किस ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना क्विट इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है टू इन ऑर्डर टू बॉयकॉट द चाइनीज गुड्स. चाइना क्विट इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किया है? आंसर इज सीएआईटी. अब ये सीएआईटी क्या है? तो कन्फेडरेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कन्फेडरेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चाइना क्विट इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है. और इन्होंने एक और कैंपेन लॉन्च किया था, भारतीय सम्मान हमारा अभिमान, भारतीय सम्मान हमारा अभियान, ये कैंपेन भी लॉन्च किया था. तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि भारतीय सम्मान हमारा अभियान किसने लॉन्च किया? तो सीएआईटी ने लॉन्च किया. नेक्स्ट पॉइंट, द पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन हैज डिसाइडेड टू नेम इट्स न्यू स्टेडियम इन द मुलानपुर आफ्टर. तो पीसीए मतलब पाकिस्तान नहीं, पंजाब, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने स्टेट में मुल्लानपुरम में किसके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात बोली है? तो ये अभी राइट नाउ पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके पिताजी थे, महाराजा यदवेंद्र सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना. तो ही इज द फादर ऑफ द पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, ठीक है. तो ये ध्यान दीजिएगा. हम आगे बढ़ते हैं, इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. आपके सामने देखिए यहाँ पे, द कैबिनेट ऑफ द विच स्टेट हैज अप्रूव द 50% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन द विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल. कौन सा स्टेट अपने स्टेट में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देगा इन द विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल? आंसर इज द मेघालय, ऑप्शन नंबर सी. मेघालय ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. तो मेघालय कैबिनेट ने डिसाइड किया है. नेक्स्ट पॉइंट, विच एयरपोर्ट हैज डेवलप्ड एन एयर सुविधा ऑनलाइन पोर्टल. तो किस एयरपोर्ट ने सुविधा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स टू फिल अ मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. मतलब अगर आप इंडिया में आ रहे हैं तो इस फॉर्म को आप भर दीजिए तो आपका COVID-19 टेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपको वेट करना पड़ेगा. आंसर इज दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी. तो दिल्ली एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया था, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप प्रिडिक्शन सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ टीम ऑफ स्टूडेंट ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैज वन द ₹1 लाख एट द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में एक तरह का क्रॉप प्रिडिक्शन सॉफ्टवेयर आया था, वो किस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बनाया है ये आपसे पूछा गया. अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका नाम मॉन्क है, ये जो सॉफ्टवेयर था उसका नाम मॉन्क था और ये बनाया था जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. तो जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों ने मिलकर मॉन्क नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है. तो याद करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द उत्तर प्रदेश. इसमें से कौन सी कंपनी है जिसने की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे एग्रीमेंट साइन किया? वी हैव 5 ऑप्शन, व्हाट इज आंसर, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? अलीगढ़ कौन बोला जी? आदर्श गुप्ता जी, अलीगढ़ होगा.
आंसर इज द फ्लिपकार्ट ऑप्शन नंबर डी। तो फ्लिपकार्ट ने यूपी से एग्रीमेंट किया था फॉर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, और फ्लिपकार्ट वही समर्थ जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिस्ट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव डेवलप अ लो कॉस्ट मेथड, रुक जाओ आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन छोड़ो, वो छोड़ो छोड़ो क्वेश्चन, नागासाकी उसमें गड़बड़ है। नागासाकी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे टू रिमेंबर द पीपल, तो नागासाकी डे हम कब मनाते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा 9 अगस्त ऑप्शन नंबर सी। और मैंने आपसे क्या बोला कि 75th ये एडिशन है तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकता है। वॉट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम क्या थी ये आपसे पूछी गई है, ठीक है। ये कब मनाते हैं, ये 10 अगस्त को मनाते हैं, देखिए यहाँ पे 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं। आंसर इज द बायोफ्यूल टूवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत, बायोफ्यूल टूवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इसकी थीम क्या है, बायोफ्यूल टूवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फूड विजन 2050 प्राइज बाय द रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है। यहां पर 5 ऑप्शन है, ये एनजीओ को मिला है बेसिकली, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर होगा नंदी फाउंडेशन ऑप्शन नंबर ए। तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने नंदी फाउंडेशन को चुना है, हैदराबाद का ये एनजीओ है, किसके लिए, बेसिकली फूड विजन प्राइज के लिए, और 10 लोग को चुना गया इसमें, तो इसमें एक ये भी है, ठीक है, ये भी ये एनजीओ है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स इन अ सीरीज ऑफ ऑर्डर हैव सेंट सेवरल आईपीएस ऑफिस, ठीक है। सिंपल से पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन आईटीबीपी, तो आईटीबीपी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर इज द अमित मोहन प्रसाद ऑप्शन नंबर बी, अमित मोहन प्रसाद ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अमित मोहन प्रसाद हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये एडिशनल डायरेक्टर बने हैं आईटीबीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग विच टू एरियाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑप्शन नंबर सी। चेन्नई को अंडमान निकोबार आइलैंड से जोड़ा गया है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, इंटरनेट के लिए बेसिकली बेटा, है ना। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2300 किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को मतलब लॉन्च किया है, चेन्नई से अंडमान निकोबार को जोड़ा गया इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ, टू सेटअप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजाइन मेकिंग, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा। NHAI किस IIT से एग्रीमेंट कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज द IIT दिल्ली ऑप्शन नंबर डी। तो NHAI और IIT दिल्ली हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड एन MOU विद द FSSAI फॉर द कोलैबोरेटिव रिसर्च ऑन द फूड एंड न्यूट्रिशन, तो इसमें से वो कौन सी बॉडी है जो कि FSSAI से एग्रीमेंट कर रही है टू कोलैबोरेटिव रिसर्च ऑन द फूड एंड द न्यूट्रिशन, और इसका आंसर क्या होगा, CSIR ऑप्शन नंबर ए। तो CSIR और FSSAI रिसर्च इन द फूड न्यूट्रिशन सेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बैक्ड द एशियन कॉलेज ऑफ द जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एशियन कॉलेज ऑफ द जर्नलिज्म अवार्ड फॉर द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसको मिला, ये मिला नितिन सेठी को अवार्ड ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, तो नितिन सेठी हैं एक और एक शिव सहाय सिंह जी हैं, इन लोगों को ये अवार्ड मिला है, आपके सामने नाम है इनके। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड द CEO ऑफ द JCB इंडिया, MD एंड द CEO ऑफ द JCB इंडिया कौन बना है, ये आपसे पूछा गया गाइस, इसका आंसर क्या होगा, दीपक शेट्टी ऑप्शन नंबर बी। दीपक शेट्टी अपॉइंट हुए हैं MD एंड द CEO ऑफ द JCB इंडिया, JCB इंडिया, दीपक शेट्टी MD एंड द CEO। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अप्रूवल एज द लोकल ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी फॉर द UIDAI, ठीक है। तो या इसका मतलब क्या बेटा, UIDAI की बात करें तो जो मतलब ये आधार कार्ड वर्ड लॉन्च होते हैं इसके सत्यापन के लिए किस बॉडी को चुना गया है, आंसर इज CDSL ऑप्शन नंबर डी। CDSL ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और UIDAI। नेक्स्ट पॉइंट, पीयूष गोयल एंड प्रहलाद जोशी हैव इनॉग्रेटेड अ रेलवे म्यूजियम इन विच स्टेट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पीयूष गोयल प्रहलाद जोशी इन्होंने रेलवे म्यूजियम लॉन्च किया है विच स्टेट, किस स्टेट में, यह आपसे पूछा गया है, आंसर होगा कर्नाटका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखिए यहां पे, तो पीयूष गोयल ठीक और प्रहलाद जोशी जी इन्होंने रेलवे म्यूजियम खोला है कहां पे, हुबली में ओपन किया है, हुबली में कर्नाटका में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मतलब ये सेकंड इन द साउथ वेस्टर्न रेलवे में है और रेल म्यूजियम, ठीक है। तो ये ध्यान देना बस, केवल हुबली में खुला है। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री विल कंस्ट्रक्ट अ मेमोरियल फॉर द इंडियन सोल्जर्स मार्टाइड इन द 1971 लिबरेशन वॉर, तो गाइस आपको पता है कि भाई 71 वार हम किसके लिए किए थे, बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज साइंड एन एमओयू विद द यूएस बेस्ड आईटी फर्म द बोस्टन ग्रुप। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने बोस्टन ग्रुप से एग्रीमेंट किया था फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है और बोस्टन ग्रुप है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज द आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश, एमओयू, बोस्टन ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन टॉटेड एज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड? तो किसने किया था गाइस? इसका नाम है स्पुतनिक 5, है ना, रशिया, गैमिलिया इंस्टीट्यूट, देख लीजिए आप लोग, रशिया इज द राइट आंसर। तो रशिया हो गया, स्पुतनिक 5 वैक्सीन का नाम हो गया, गैमिलिया हो गया, सारे पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, है ना। इंडिया हैज इंक्ड अ पैक्ट विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 5 इको टूरिज्म जोन इन द अड्डू अटोल? तो अड्डू अटोल कहां पड़ता है? मालदीव में पड़ता है, और इंडिया ने पैक्ट साइन किया मालदीव से फॉर द 5 इको टूरिज्म जोन डेवलप करने के लिए। मालदीव इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, खादी फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इज ऑल सेट टू कम अप इन विच स्टेट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खादी का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र किस राज्य में आने के लिए तैयार है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर क्या है? कमेंट में काफी धीरे, मतलब स्पीड कम हो गई है। तुम लोग खाना वाना नहीं खाए हो क्या? ब्रेकफास्ट या कुछ भी ऐसा कुछ किए होगे ना? आंसर क्या होगा? इस बगा बगा रेडी रहो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत, थोड़ी सी बात है भाई, 40 मिनट हो गया, 20 मिनट की बात और है या 10 मिनट की बात और है ना, एनर्जी वापस लाओ अपने अंदर। कहते हैं इसलिए प्राणायाम किया करो सुबह उठ के, दौड़ा वड़ा करो सब लोग, है ना, गर्ल्स मम्मी लोग का हाथ बटाएं किचन में, मतलब कहीं ना कहीं एक्सरसाइज होता है आप लोग का, है कि नहीं है? तुम लोग को देख के मुझे क्या लग रहा है यार। चलो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और गांव का नाम क्या है? तो चुलायू इन अरुणाचल प्रदेश, ये याद कर लीजिएगा, गांव का ये डिस्ट्रिक्ट का नाम बेसिकली है ना, और खादी एंड विलेज, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। सर ब्रेकफास्ट तो कब का डाइजेस्ट हो गया? ऋषि मैं तो जी ब्रेकफास्ट तो मैंने किया ही नहीं, डाइजेस्ट तो कुछ हुआ नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द न्यू स्कीम लॉन्च बाय द छत्तीसगढ़ वेयर ग्रुप ऑफ, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एक स्कीम लॉन्च हुई है जहां पर यूथ जो है ना, तो 1000 विलेजेस में जाकर यूथ को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और उनसे फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी कराई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में ये स्कीम का नाम क्या, ये आपको बताना है, व्हाट इज द राइट आंसर, क्या इसका आंसर होगा? आंसर इज द इंदिरा वन मित्र योजना, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा वन मित्र योजना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इंदिरा वन मित्र योजना ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड ट्राइबल डे, तो याद रखिएगा इंदिरा वन, तो इंदिरा कैंटीन राजस्थान और इंदिरा वन कहां पर? छत्तीसगढ़, तो इस तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू डेवलप हाउ मेनी क्राफ्ट एंड द हैंडलूम विलेजेस? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा? चाय पिए तो चाय खाना होता है क्या? अलग ही बात है यार, तुम लोग को मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढनी है, इसे आपने चाय पी है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। अरे भैया चाय पानी है भाई, है ना। आंसर इज द 10, ऑप्शन नंबर ई, तो 10 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो स्मृति रानी जी ने बोला है कि 10 क्राफ्ट एंड हैंडलूम विलेजेस हम बनाएंगे पूरे देश में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? एमएस स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला, ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? वी हैव 5 ऑप्शन। एमएस स्वामीनाथन अवार्ड की बात कर रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा फटाफट बताइए, भूलना नहीं शाम को 5 से 8 हमारे रीजनिंग के बाहुबली मोदी जी की क्लास है और 8 से 10 हमारे नरेंद्र सर की क्लास है। इसके बीच में आपको 2 वीडियोस मेरे मिलेंगे, मैंने आपके लिए 2 वीडियो रिकॉर्ड किया है, एक LTRO एंड TLTRO, बिकॉज आपके एग्जाम में बैंकिंग टर्म्स पूछे जा सकते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, लेक्चर आपको मिल जाएंगे अभी कुछ देर में। उसके बाद व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द ब्रेक्जिट ऑन इंडिया, तो 2 वीडियो मैंने आपके लिए और रिकॉर्ड किए हैं, आज ही रिकॉर्ड किए हैं और आपको वो भी देखना है वीडियो सारा, है ना। हाँ, तो रात में शाम को 5 से 8 मोदी सर और 8 से 10 नरेंद्र सर, बैक टू बैक फेस्टिवल हमारा चल रहा है और हम ट्राई करेंगे इसके हर शनिवार के लिए आपको लेकर आए। और मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली रात में लेना पड़ेगा क्या सेशन, कुछ और लगता है। चलो ठीक है, आंसर इज RS परोदा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर था, तुम आंसर देते रहो, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, वाल्टर मार्टोस हैज बीन स्वॉन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच कंट्री? तो वाल्टर मार्टोस की बात करें, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेरू, ऑप्शन नंबर बी, पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल है, नाम आपको मालूम चल गया। हु अमंग द फॉलोइंग, थैंक यू सर, आप रहते हैं तो मुझे प्रीति नहीं आती है सर, थैंक यू सो मच। नरेंद्र सर एक मिनट यहाँ आइए, देखो नरेंद्र सर यहाँ पर है, इधर आइए सर प्लीज, अपने क्लास के बारे में जरा बताइए क्या करने वाले हैं आप। गाइस सुनो बहुत ध्यान से, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून,
आज की कहानी बड़े इंटरेस्टिंग है। देखो लेटर राइटिंग को डिस्क्रिप्टिव में सबको प्रॉब्लम होता है, तीन तीन मेंस इनके सामने। तो गाइज लेटर राइटिंग में जो फॉर्मल इनफॉर्मल के 25 मार्क्स होते हैं उसका रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ होने वाला है। एंड आज हम लोग मैराथन सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे बैंक लेटर पे, तो हमेशा हम थीम लेके आया करेंगे आगे भी। एग्जैक्टली आज अभी देखो सर का क्लास चल रहा है और एक मेंस लेवल का मैराथन होने वाला है 8 बजे शाम को, 8 से 10। ठीक है, तो एंजॉय द शो गाइज एंड ऑल द बेस्ट, सी यू गाइज इन द क्लास। थैंक यू सर। चलिए मैं तुमको बताऊं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं केवल इंग्लिश ही पढ़ता, मुझे इंग्लिश कभी आया ही नहीं और ना कोई फैकल्टी मिले जो इंग्लिश पढ़ा सके। मुझे लगता है कि उनसे बेटर तो मुझे आता है, मैं जो ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज द मैक्स वेस्टर्पन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, द गवर्नर ऑफ द विच स्टेट हैज रिलीज कोरोना कविता काल, अ कलेक्शन ऑफ पोयम राइटिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। नरेंद्र सर को जलाने के लिए मैंने चश्मा पहन लिया था बट वो चले गए, देखे नहीं शायद। चलिए आंसर देगा इसका, इसका आंसर होगा, वॉट इज द राइट आंसर, वॉट इज द राइट आंसर, आंसर इज द मिजोरम, ऑप्शन नंबर ई। तो मिजोरम के गवर्नर कौन है यार, पी एस श्रीधरन पिल्लई जी हैं। तो ये कविता विता लिखते रहते हैं, अभी एक और लिखे थे ना ये, तो कोरोना कविता काल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट ऑन टू प्रोवाइड फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेशन टू पीपल ऑफ द अर्बन एरिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस राज्य की नगर निगम पहला बन गया नगर निगम जिसने पूरे देश में वन भूमि अधिकार प्रमाणपत्र देने वाला पहला ये राज्य बन गया। आंसर देगा इसका आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज द छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। नरेंद्र सर इज द बेस्ट फैकल्टी फॉर द जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। आप उनसे जीए कहीं पढ़िए, मैं खुद उनसे जीए पढ़ता हूं तो आपको मालूम चलेगा कि काफी क्वालिटीज उनके अंदर है, एक बार आप देखिएगा। छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है साइंड, मैं नाम देख रहा हूं सर, वी हियर Have heard you and we want to hear. अरे वैष्णवी जी आप नाराज मत होइए, आई एम रियली सॉरी, मतलब एक लगा मुझे कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, अगर हो सकता हो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आ जाए, है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्या आंसर होगा। देखो आंसर इज द आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आईआईटी दिल्ली हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च एन एंटी बुलिंग कैंपेन टू फ्लैग द प्रॉब्लम बुलिंग। तो मतलब इस स्टेट में, मतलब स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एंटी बुलिंग कैंपेन लॉन्च किया था कि आपके स्टेट में, अरे आप जहां रहते हो मतलब उसके आस पड़ोस स्कूल में कॉलेज में वर्क प्लेस में कोई आपको धमकाता धमकाता है तो उससे निपटने के लिए। तो इसका आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हरियाणा हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे हम कब मनाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विच कंपनी हैज लॉन्च अ पेमेंट गेटवे बटन। बटन ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, बटन किसने लॉन्च किया पूरा पढ़ो, बटन याद कर लो बस। तो बटन की बात करेंगे तो रेजर पे, ऑप्शन नंबर डी, बटन लॉन्च किया रेजर पे ने, इतना याद कर लो बस, काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट गाइस क्या हमारे सामने, देखिए यहाँ पे, Which state has topped in the list of the states seeking a skilled workforce to resume industrial activities? फिर देख लीजिए, Which state has topped in the list of the states seeking skilled workforce to resume industrial activity? मतलब कि किस राज्य के औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए एक कुशल कार्यबल की मांग करने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, टॉप्ड, ये रिपोर्ट और इंडिसेस का है। इसका आंसर कर्नाटका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कर्नाटका ने अपने लॉकडाउन ओपन कर लिए और सबसे ज्यादा लेबर्स जो मतलब कि मतलब जिनको जॉब चाहिए थी कर्नाटका ने दी है, इसका मतलब ये है। तो ये देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, विच स्टेट, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा इस बार, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स सीकिंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स, सीकिंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ये आ रहा लग रहा है, मेरे दिल से आवाज आ रही है ऐसी, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे हम मनाते हैं गाइस, है ना, इसकी थीम आपसे पूछी गई है, व्हाट इज द थीम। और थीम की बात करें तो यूथ एंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन, यूथ एंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल यूथ डे, यूथ एंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, तो गाइस हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 250 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और ध्यान से देखें तो अभी हम केवल 12-13 अगस्त पे ही हैं, यानी कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम आज नहीं करेंगे लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत सारे मैराथन लेने पड़ेंगे। अनअकैडमी पर 2 बजे क्लास है, 2:15 पे है बेटा। ठीक है, आंसर दीजिए, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट वन टू हैव वुमेन सिंबल्स ऑन द ट्रैफिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ये मुंबई में लॉन्च हुआ, मुंबई के दादर में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दादर हमें याद रखना है, दादर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हैविंग वुमेन सिंबल्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइनेज,
ठीक है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम टू कंपनसेट फार्मर फॉर क्रॉप लॉस नेम्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की थी गाइस? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। तो गुजरात हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो गुजरात गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की थी, मतलब कि रिप्लेसमेंट करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसे रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेम द एंटी चाइल्ड ट्रैफिकिंग ड्राइव लॉन्च बाई द बिहार बाई द कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन। तो आपसे पूछा गया कि कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने बिहार में एंटी चाइल्ड ट्रैफिकिंग कैंपेन लॉन्च किया था, इसका नाम क्या है? वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मुक्ति कारवा, ऑप्शन नंबर डी। मुक्ति कारवा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च एन आर्बिट्रेज योजना एन ओपन एंडेड। ठीक है, सिंपल करते हैं, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने आर्बिट्रेज योजना नाम का फंड लॉन्च किया? आर्बिट्रेज योजना, इसका आंसर क्या होगा? महिंद्रा मैन्युलाइफ, ऑप्शन नंबर सी। तो महिंद्रा मैन्युलाइफ आर्बिट्रेज योजना, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द पॉजिटिव पे फीचर टू इनहेंस सेफ्टी टू चेक पेमेंट फॉर चेक वैल्यू ऑफ। तो गाइस आपको मालूम है कि 1 जनवरी से हमारे देश में पॉजिटिव पे लागू हो गया है, हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा ये सारे पॉइंट। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? 50,000 रुपए या उसके ऊपर के जो चेक होंगे उसमें पॉजिटिव पे लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइको? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ई बाइको कौन बना? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हरभजन सिंह, ऑप्शन नंबर बी। तो हरभजन सिंह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेबनन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज इंटायर गवर्नमेंट हैज रिजाइन आफ्टर द बेरूत एक्सप्लोजन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर? तो गाइज ये आपको मालूम ही है, आंसर हसन दिया। तो दैट टाइम पे हसन दिया प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। राइट नाउ कौन है? तो राइट नाउ साद हरीरी है। तो हसन दिया ने अपना इस्तीफा दे दिया था, इसे याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन हिज 6th कंसेक्यूटिव टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बेलारूस? कल या परसों मैंने सीएमए से बताया था, इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ऑप्शन नंबर सी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर हम बात करते हैं बेलारूस, कैपिटल मिंस और करेंसी रूबल। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बैक द इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 फॉर हेल्थ केयर एक्सीलेंस? इंडियन अचीवर अवार्ड 2020 फॉर द हेल्थ केयर एक्सीलेंस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अक्षत मलिक होगा। ठीक है, तो अभी 111 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, शुभ शुभ पे छोड़ते हैं इस क्लास को। प्लीज गाइस कमेंट में हमें हमारा काम बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, और आपको और भी मैराथन चाहिए, कैसे चाहिए, मंथ चाहिए, बता दीजिए कमेंट करके हमें। और पहले हम लोग एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करेंगे। हमने बड़ी एनर्जेटिक, बड़े पॉजिटिवली, ठंडी वंडी है, भूख लगी होगी, बट हम पढ़े, तो अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग। बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड, वेल डन, बड़ा अच्छा लगा आप लोग को देख के, आपका डिटर्मिनेशन देख के। और गाइस अभी नहीं तो कभी नहीं है ना, तो जम के मेहनत करिए, जितना मेहनत आप कर सकें उतना मेहनत करिए, और यकीन मानिए आप कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को ना यार ये मत सोचो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या दूसरों को देख के कॉम्प्लेक्स फीलिंग मत लाओ, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स फीलिंग इसलिए आ रही है कि तुम कर नहीं रहे, तुम ट्राई करो। जो बच्चा या बच्ची ये बोलती है कि हमें सुबह नींद आती है, हमें रात में नींद आती है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, आप ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहीं पर छोड़ते हैं। इस दोनों क्लास का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और मुझे कमेंट करिएगा गाइज जरूर से कि आप क्या चाहते हैं, कैसे आते हैं गाइज। और हाँ, अभी हमारी 2:15 बजे एक क्लास और भी है अनअकैडमी पर, सितंबर मंथ की है। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा अभिजीत मिश्रा, और मेरे सारे कॉन्टेंट आपको वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए और प्लीज कमेंट करते रहिए क्या चाहिए आपको, हम क्या और कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, थैंक यू सो मच।